अच्छा कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 1 देखिए, तो सेक्शन 1 बोलता है इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। अच्छा वैन इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, अब बाबू सोनो की तरह मत बैठिए, अभी हम पढ़ा रहे हैं कि रिवीजन करवा रहे हैं और पूरा रिवीजन करवाना है, तो यू नीड टू बी वेरी हाई अलर्ट एकदम। सेक्शन 1 बोलता है इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, वैन इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, क्या जम्मू कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल है? कंपनीज एक्ट जम्मू कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल है, याद रखना। अच्छा क्या हम लोग का ये जो कंपनीज एक्ट है ये नया कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है कि ओल्ड कंपनी की? ऑल द कंपनीज, न्यू कंपनी, ओल्ड कंपनी, ऑल द कंपनी। बैंकिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 क्या बैंकिंग इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल है? जो नो बोल रहा है इसलिए रिवीजन जरूरी रहता है। हाँ कंपनीज एक्ट 2013 बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कंपनी फॉर्म्ड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट सबके ऊपर एप्लीकेबल है, टू द एक्सटेंट दैट इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद देयर ओन एक्ट। यानी अगर बैंकिंग कंपनी का स्पेसिफिक एक्ट है जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वो कुछ और बोल रहा है तो फिर वो कुछ और फॉलो करना। हम लोग का कंपनीज एक्ट 2013 बैंकिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पेशल कंपनी के ऊपर तभी एप्लीकेबल होगा, ओनली टू द एक्सटेंट इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद देयर ओन एक्ट। यानी उन लोग का एक्ट अगर कुछ और बोल रहे तो वो फॉलो करो, साइलेंट है तो हम लोग का कंपनीज एक्ट फॉलो कर लो। अच्छा उसके बाद डेफिनेशंस में आ जाइए। सारा एक्ट में अधिकतर डेफिनेशन जो रहता है वो सेक्शन 2 से ही स्टार्ट होता है, कंपनीज एक्ट इज नो एक्सेप्शन टू दैट। यहां पर भी डेफिनेशन सेक्शन 2 से ही स्टार्ट होता है, जितना भी डेफिनेशन रहेगा कंपनीज एक्ट में सब सेक्शन नंबर 2 में। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 1 सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? ये तो प्रोस्पेक्टस चैप्टर में आप लोग का पढ़ा हुआ होगा कि एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि एवरेज प्रोस्पेक्टस जो है वो एक फुल फ्लेज्ड प्रोस्पेक्टस नहीं होता, इट्स अ कंडेंस्ड प्रोस्पेक्टस। एवरेज प्रोस्पेक्टस इज अ कंडेंस्ड प्रोस्पेक्टस विच विल कंटेन ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बट इन कंसाइज मैनर। इट्स अ कंडेंस्ड प्रोस्पेक्टस, शॉर्ट प्रोस्पेक्टस विच विल कंटेन ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बट नॉट इन डिटेल मैनर, कंसाइज मैनर। मेरा नेटवर्थ लिखा हुआ रहेगा बट नेटवर्थ का कैलकुलेशन अगर देखना है जाओ जाकर के मेन प्रोस्पेक्टस पढ़ लो। नेटवर्थ कितना करोड़ है वो एवरेज प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ रहेगा। कैसे निकाले हैं, एसेट बैकिंग अप्रोच होता है, लायबिलिटी बैकिंग अप्रोच होता है नेटवर्थ निकालने का, वो जाकर के आप प्रोस्पेक्टस में पढ़ लो। प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहां लिखा हुआ रहेगा, कैसे निकाले एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जाओ जाकर के मेन प्रोस्पेक्टस पढ़ लो। तो यहां पर इंफॉर्मेशन तो रहेगा बट इन डिटेल मैनर के कंसाइज मैनर। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेन प्रोस्पेक्टस रहता है दैट रन्स इनटू सेवरल पेजेस, 200-300 पन्ना का मेन प्रोस्पेक्टस रहेगा। क्या तुम और हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे 500,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि 1-2 करोड़ का या 1-2 लाख का या 10-20 हजार का, समझ में आ रहा है? अब उसके लिए क्या आप 250 पन्ना का प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे क्या? मैट तो पढ़ा नहीं जाता तुम लोग से, 250 पन्ना का प्रोस्पेक्टस कहां से पढ़ लोगे? तो मेरे और आप जैसे आम आदमी के लिए, जिन लोग म्यूचुअल फंड मैनेजर्स नहीं है, जिन लोग को 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 15,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करना है, उन लोग के लिए बनाया जाता है एवरेज प्रोस्पेक्टस कि कम से कम 2-3 पन्ना जो है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ ले। एवरेज प्रोस्पेक्टस नेटवर्थ कैसे निकाला गया भाड़ में गया बता तो दो कितना है, प्रोस्पेक्टस में तो खो ही जाएंगे ढूंढते समय, तो इसलिए हम लोग के लिए बनाया जाता है एवरेज प्रोस्पेक्टस। एंड इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी कि वो प्रोस्पेक्टस इशू तो करेगा ही, एवरेज प्रोस्पेक्टस भी इशू करेगा जब वो शेयर इशू करेगा। एंड इट इज कंपल्सरी कि वो एवरेज प्रोस्पेक्टस हर एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अनेक्स करेगा व्हेनेवर द एप्लीकेशन फॉर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर, फेलिंग विच द पेनल्टी विल बी रुपीज 50,000 50,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। तो एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपल्सरी है क्या? क्या ऑप्शनल है? किसके साथ अनेक्स कर देंगे? एप्लीकेशन फॉर्म, जब एप्लीकेशन फॉर्म बांटेंगे ना सबको तो हम लोग एवरेज प्रोस्पेक्टस को अनेक्स करके एप्लीकेशन फॉर्म बांटेंगे। बुद्धि में जा रहा है? दो जन को एवरेज प्रोस्पेक्टस देने का दरकार नहीं है। जब कंपनी शेयर एप्लीकेशन फॉर्म बांट रहा है या शेयर दे रहा है, दो जन को एवरेज प्रोस्पेक्टस देने का दरकार। प्रमोटर ऑफ द कंपनी एंड अंडरराइटर्स, मरता है तो मरने दो प्रमोटर और अंडरराइटर, हमको चिंता है किन लोग का, पब्लिक का, हम उन लोग को एवरेज प्रोस्पेक्टस अनेक्स करेंगे, प्रमोटर और अंडरराइटर को हम अनेक्स नहीं करेंगे। हाउएवर व्हेन अंडरराइटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म टू द पब्लिक द एवरेज प्रोस्पेक्टस मस्ट बी अनेक्स। आई एम सेइंग दैट व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू गिव द एवरेज व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू गिव द शेयर्स टू द प्रमोटर अंडरराइटर एवरेज प्रोस्पेक्टस नॉट रिक्वायर्ड, बट व्हेन द अंडरराइटर्स आर गोइंग टू गिव द एप्लीकेशन फॉर्म एवरेज प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड की नॉट रिक्वायर्ड। हम अंडरराइटर को देंगे, अंडरराइटर जनता को बांटेगा। एपिलेट ट्राइब्यूनल तो पता है ना, एनसीएलटी होता है कि एनसीएलएटी, एनसीएलएटी। आर्टिकल्स अगर नहीं पता तो केजी ज्वाइन कर लो, आर्टिकल्स मींस इंटरनल रूल्स एंड अमेंड करने के लिए क्या पास करना होता है। एसोसिएट कंपनी मतलब क्या होता है, जिसमें 20% और मोर बट अप टू 50%, 20% से तो ज्यादा शेयर होल्डिंग है बट अप टू 50% शेयर होल्डिंग है।
क्योंकि अगर हम 50% से ज्यादा होल्ड कर लेंगे शेयर, तब तो हम होल्डिंग हो जाएंगे और तुम मेरा क्या हो जाएगा सबसे अरविथ्रोबदेस। तो ये होता है एसोसिएट कंपनी, जहां पर 20% और मोर तो रहता है, या तो 20% शेयर या उससे ज्यादा, बट अप टू 50%। अच्छा 50% से ज्यादा हो जाएगा तो हम होल्डिंग है और तुम मेरा क्या सबसे। अच्छा यहां पर एसोसिएट कंपनी किसको बोला जाएगा, कंपनी ए 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा है कंपनी बी में। अगर कंपनी ए 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा है कंपनी बी में, तो एसोसिएट कौन है? दोनों एक दूसरे का, मतलब जो होल्ड कर रहा है वो भी एसोसिएट बोलेगा अपने आप को, और जिसके अंदर होल्ड किया गया वो भी एसोसिएट बोलेगा। जैसे होल्डिंग और सब्सिडरी होता है, वैसे ही एसोसिएट और एसोसिएट होता है। 50% से ज्यादा जो होल्ड कर रहा है वो होल्डिंग हो गया, जिसके अंदर होल्ड कर रहा है सब्सिडरी, बट 20% या उससे ज्यादा जब हम होल्ड कर रहे हैं तो हम भी आपके एसोसिएट है, आप भी मेरे क्या है। दोनों एक दूसरे का क्या माना जाएगा? एंड माइंड इट, एसोसिएट ऑल्सो इंक्लूड्स ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, कम ऑन, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट अ कंपनी इज अलाउड टू इशू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब कलेक्टिव बॉडी ऑफ क्या होता है बताइए तो? डायरेक्टर्स। नाउ व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड्स वन कंपनी की ऑल द कंपनीज। बॉडी कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड्स ऑल द कंपनी। फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड होता है क्या? बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर फॉरेन कंपनी भी आता है क्या? हाँ। अब चीज समझो, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी आने वाला नहीं है। इट्स अ ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड्स ऑल द टाइप्स ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी एंड फॉरेन कंपनी, बट इट डज नॉट इंक्लूड व्हाट? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी अगर 4 मार्क का आ गया तो खाली ये 2 लाइन का डेफिनेशन तो लिखने से चलेगा नहीं। फीचर्स, वेरी गुड, सब समझाया हुआ आपको। फीचर्स लिखेगा, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होता है, सेपरेट एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट एंटिटी, पावर टू सीयू, पावर टू बी सीयूड, पावर टू अक्वायर, होल्ड, डिस्पोज पार्टली और फुल्ली, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो फीचर्स लिख दीजिएगा, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट एंटिटी, पावर टू सीयू, पावर टू बी सीयूड, पावर टू अक्वायर, होल्ड, डिस्पोज पार्टली और फुल्ली, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। बुक्स एंड पेपर दिखाई दे रहे हैं क्या? बड़ा चीज क्या होता है, बुक्स एंड पेपर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बुक्स एंड पेपर बड़ा चीज होता है। बुक्स एंड पेपर इसलिए बड़ा चीज होता है क्योंकि उसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आता है। बुक्स एंड पेपर इसलिए बड़ा चीज होता है क्योंकि उसके अंदर क्या आता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स आता है। सो बुक्स एंड पेपर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर, डीड, डॉक्यूमेंट, राइटिंग, मिनट्स, रजिस्टर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आएगा ही, वाउचर आएगा, डीड आएगा, डॉक्यूमेंट आएगा, राइटिंग आएगा, मिनट्स एंड रजिस्टर। नेक्स्ट पेज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाई दे रहा है क्या? चार चीज आएगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, परचेज एंड सेल, एसेट एंड लाइबिलिटी बुक। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आएगा, परचेज एंड सेल बुक आएगा, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स की सर्विसेज बोथ। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, परचेज, हम लोग पढ़ रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके अंदर आएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, आइटम्स ऑफ कॉस्ट, एनी बुक विच रिकॉर्ड्स आर आइटम्स ऑफ कॉस्ट। रिसिप्ट पेमेंट, परचेज, सेल, एसेट लाइबिलिटी, आइटम्स ऑफ कॉस्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पीएल बैलेंस शीट मत लिख करके आ जाना, वो कहां है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक्स एंड पेपर अलग है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है। सबसे बड़ा चीज क्या है? उसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ गया, वाउचर, डीड, डॉक्यूमेंट, राइटिंग, मिनट्स, रजिस्टर। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कितना चीज आया? चार, रिसिप्ट पेमेंट, परचेज, सेल, एसेट लाइबिलिटी, आइटम्स ऑफ कॉस्ट। फिर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आता है 5 चीज, बैलेंस शीट, पीएल। दुनिया भर को पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीज आने वाला है, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स ऑन अकाउंट्स। 3 कंपनी को एग्जेम्पशन है कि उसको कैश फ्लो बनाने का दरकार नहीं है, ओपीसी, स्मॉल एंड डोरमेंट, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, ये 3 कंपनी को एग्जेम्पशन है कि इनको कैश फ्लो बनाने का दरकार नहीं है। आप लोग लिख करके आ जाएंगे 3 कंपनी को एग्जेम्पशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का दरकार नहीं है, खाली कैश फ्लो। क्या ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी अपना बैलेंस शीट, पीएल, ये सब बनाएगा? खाली क्या नहीं बनाएगा? 3 जन, ओपीसी, स्मॉल एंड डोरमेंट। अब स्मॉल कंपनी क्या होता है? नॉन पब्लिक कंपनी, नॉन पब्लिक कंपनी हुज पेड अप शेयर कैपिटल, नॉन पब्लिक कंपनी विद सैटिस्फाइज 2 कंडीशन। एक नॉन पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी माना जाएगा अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख, 50 लाख, एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख एंड टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। 3 कंपनी कभी भी स्मॉल नहीं माना जाएगा अगर आप किसी के होल्डिंग है या किसी के सब्सिडरी है। सेक्शन 8, सेक्शन 8 यानी चैरिटेबल कंपनी।
आप स्मॉल कंपनी नहीं माने जाएंगे. एंड इफ यू आर अ कंपनी गवर्न बाई स्पेशल स्टैट्यूट होल्डिंग सब्सिडरी सेक्शन 8 कंपनी गवर्न बाई स्पेशल स्टैट्यूट आर नेवर ट्रीटेड अ स्मॉल कंपनी. इज पब्लिक कंपनी ट्रीटेड अ स्मॉल कंपनी? नो, क्योंकि डेफिनेशन में ही था नॉन पब्लिक कंपनी. फिर चार्ज सबको पता है क्या होता है? इट्स अ राइट ऑफ द क्रेडिटर ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी. चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर तो होली चालू हो गया था, मींस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सीईओ मींस अ पर्सन हु हैज बीन डिजाइनेटेड सच. चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मींस पर्सन अपॉइंटेड एज सीएफओ. गारंटी कंपनी क्या होता है? गारंटी कंपनी क्या होता है? गारंटी कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जिसमें शेयर्स नहीं रहेगा. देयर विल बी नो शेयर कैपिटल इन केस ऑफ गारंटी कंपनी. हम लोग इकट्ठा हो गए और बोले कंपनी खोलेंगे विदाउट शेयर्स. और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक फिक्स्ड अमाउंट लिख दिए, एमओए में एक फिक्स्ड अमाउंट लिख दिए, which we guarantee to bring at the time of liquidation. If the company goes for winding up, we guarantee that हम लोग इतना इतना amount लेकर के आएंगे. जब member लोग एक fixed amount guarantee कर देता है जो उन लोग लेकर के आएगा only at the time of winding up without taking any shares, such a company is called guarantee company. So what is a guarantee company? Guarantee company is a company having no shares. No shares. But members guarantee fixed amount that they are going to bring at the time of winding up. कंपनी लिमिटेड बाई क्या बताइए? तो शेयर्स. जहां पर क्या रहेगा? शेयर. ऑब्वियसली सीएस मीन्स अ सीएस. कॉन्ट्रीब्यूटरी में आइए. कॉन्ट्रीब्यूटरी में समझ में आता है? दोज हु आर लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप के समय जिससे हम रुपया पाते हैं वो क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूटरी. लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी भी होता है, लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी भी होता है. हे भगवान, जो प्रेजेंट मेंबर है वो क्या है? लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी. और अगर प्रेजेंट मेंबर नहीं चुका सक रहा है तो पास्ट मेंबर के पास जाते हैं ना. लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का चैप्टर किए होंगे कभी ना कभी. पहले प्रेजेंट मेंबर से मांगते हैं, प्रेजेंट मेंबर नहीं देता तो पास्ट मेंबर से मांगते हैं. लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी. तो लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी होता है और लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी. कंट्रोल. कंट्रोल आपके पास तब आएगा जब आपके पास दो चीजें, या तो आपके पास है राइट टू अपॉइंट द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर. इफ यू आर हैविंग अ राइट टू अपॉइंट द, तो आपका क्या है? राइट टू अपॉइंट द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स है तो आपके पास कंट्रोल है, या फिर यू हैव अ राइट टू कंट्रोल द पॉलिसी डिसीजन. दो चीज अगर आपके पास है, दोनों में से कोई भी एक चीज है तो कंट्रोल है आपका. आपका कंट्रोल कब माना जाएगा? व्हेन यू हैव अ राइट टू अपॉइंट द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स. यू डू नॉट हैव द राइट टू अपॉइंट द डायरेक्टर, यू हैव राइट टू अपॉइंट द. ऐसे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी जब लोन देता है, ह्यूज लोन जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शर्त रखता है कि वो क्या अपॉइंट करेगा? नॉमिनी डायरेक्टर. क्या उसका कंट्रोल है? नहीं. क्यों? एक ही डायरेक्टर अपॉइंट करने का राइट है. मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंट करने का राइट. जब मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंट करने का राइट आएगा तब आपका क्या है? कंट्रोल. या आपका कंट्रोल तब माना जाएगा जब आप मैनेजमेंट का पॉलिसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं. राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर और कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन. कॉस्ट अकाउंटेंट मींस कॉस्ट अकाउंटेंट. कोर्ट के अंदर ये सारा कोर्ट आता है तो याद करना होगा. 9 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं क्या? प्लीज स्लो. उसके बाद फाइनेंशियल ईयर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, फाइनेंशियल ईयर. नाउ फाइनेंशियल ईयर सबका सेम होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च. लेकिन अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 जनवरी के बाद, या तो 1 जनवरी या 1 जनवरी के, तो ये वाला 31 मार्च को नहीं क्लोज करेगा, नेक्स्ट 31 मार्च को क्लोज करेगा. यानी अगर 1 जनवरी 2016 को कंपनी खोला गया, 1 जनवरी 2016 को या 1 जनवरी 2016 के बाद कंपनी खोला गया, तो नेक्स्ट 31 मार्च 31 मार्च 2017. अच्छा, अगर दिसंबर 31 दिसंबर 2015 को कंपनी खोला गया, तब यही जो 31 मार्च आने वाला है, 31 मार्च 2016. याद रखने का तरीका, साल चेंज कर देना और 31 मार्च लगा देना. जस्ट चेंज द ईयर एंड फिक्स द 31 मार्च. 1 जनवरी 2016 साल चेंज कर 2017, 31 मार्च लगा 31 मार्च 2017. 31 दिसंबर 2015 को कंपनी खोले हैं, 31 दिसंबर 2015 को कंपनी खोले हैं, 31 मार्च 2016. तो अगर दिसंबर तक कंपनी खुल जाएगा तब तो आने वाला 31 मार्च को आपको अपना पहला साल क्लोज कर देना पड़ेगा. लेकिन अगर आपका जनवरी, 1 जनवरी या 1 जनवरी के बाद अगर आपने कंपनी खोला है तो नेक्स्ट 31 मार्च. अरविंद रुबदेश.
और उसके बाद तो सबका फाइनेंशियल ईयर सेम रहेगा, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर के। फॉरेन कंपनी, नेक्स्ट पेज। हे बॉयज एंड गर्ल्स, फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, ऑब्वियसली इट्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, द फॉरेन कंपनी माना जाएगा। इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, चार तरीके से, या तो इटसेल्फ, या एजेंट, या फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली। प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, या तो थ्रू इटसेल्फ, थ्रू एजेंट, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक। मतलब आजकल तो ऑनलाइन का भी धंधा होता है ना, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा कोई तंबू गड़ा हुआ हो यहाँ पर, तुम हो सकता है इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहा हो, तो भी तुम क्या फॉरेन कंपनी माना जाएगा क्या? एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन एनी अदर मैनर। जीडीआर, हे भगवान, ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट, अंदर है तुम्हारे जीडीआर, समझ आ रहा है? पैसा किसको चाहिए? हाँ, इंडियन कंपनी को पैसा किसे चाहिए? फॉरेनर्स। इंडियन कंपनी अपना क्या इशू कर दिया? शेयर। डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, डीसीबी इंस्ट्रक्ट कर देगा फॉरेन कस्टोडियन बैंक, फॉरेन कस्टोडियन बैंक विल इशू जीडीआर। इंडियन कंपनी हैज इशूड शेयर्स टू डीसीबी, डीसीबी हैज इंस्ट्रक्टेड टू एफसीबी, एफसीबी विल इशू जीडीआर टू द फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर विल गिव फॉरेन करेंसी, एफसीबी विल हैंड ओवर टू डीसीबी, हु विल कन्वर्ट इनटू इंडियन करेंसी एंड गिव इट टू द इंडियन इन्वेस्टर। जीडीआर सिंपली ट्रेड इंडियन स्टॉक मार्केट की फॉरेन स्टॉक मार्केट, फॉरेन स्टॉक मार्केट। द प्राइस ऑफ द जीडीआर विल डिपेंड ऑन टू थिंग, इंडियन कंपनी का परफॉर्मेंस, फॉरेन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस। अप्रूवल्स रिक्वायर्ड फॉर इशूइंग जीडीआर, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा बाईपासिंग बीआरएडबीएम, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा जीडीआर इशू करने के लिए बाईपासिंग बीआरएडबीएम, शेयरहोल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा बाईपासिंग एसआरएडबीएम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से प्रिंसिपल अप्रूवल एंड फाइनल अप्रूवल। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल लो, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है तो आरबीआई से अप्रूवल लो, फिर अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से अप्रूवल लो, फिर अपने स्टॉक एक्सचेंजेस से अप्रूवल लो, मतलब सबके धोखे खाते जाओ। पहले तो अंदर से अप्रूवल ले लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाईपासिंग बीआरएडबीएम, शेयरहोल्डर से बाईपासिंग एसआरएडबीएम, आरबीआई से अप्रूवल लो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल लो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से अप्रूवल लो, स्टॉक एक्सचेंजेस से अप्रूवल लो फॉर इशूइंग व्हाट? जीडीआर। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? जिसमें कम से कम 51% शेयर। गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज आइदर हेल्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कंबाइंडली और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। मान लो मेरे अंदर से फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी होल्ड कर रहा है, बिहार गवर्नमेंट भी होल्ड कर रहा है, दोनों क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। 51% होल्ड कर रहा है, क्या हम गवर्नमेंट कंपनी माने जाएंगे? दो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है या दो, एक स्टेट और एक सेंट्रल, या फिर अकेला सेंट्रल? 51% है सेंट्रल स्टेट मिला करके या स्टेट मिला करके, तो हम क्या माने जाएंगे? याद रखना, गवर्नमेंट कंपनी का जितना भी सब्सिडियरी होगा वो भी गवर्नमेंट कंपनी है, मेरा जो सब्सिडियरी कंपनी होगा वो भी क्या माना जाएगा? होल्डिंग और सब्सिडियरी। नो, होल्डिंग और सब्सिडियरी में क्या रिलेशन होता है? या तो हम आपका 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहे हैं, या तो हम आपका 50% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं, तो हम आपके क्या है? होल्डिंग। आप मेरे क्या लगे? या फिर आई कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बीओडी, हम होल्डिंग दो केस में माने जाएंगे, या तो हैविंग मोर देन 50% शेयर, देन आई एम द होल्डिंग, इफ आई एम हैविंग मोर देन 50% शेयर आई एम द होल्डिंग, या फिर आई एम कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ द बीओडी ऑफ द अदर कंपनी। नाउ हाउ डू आई कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बीओडी? बाय हैविंग द राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स और रिमूविंग द मेजोरिटी ऑफ द विद अप्रूवल की विदाउट एनी अप्रूवल। अगर हम तुम्हारे यहां पर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर को हटा सकते हैं और रख सकते हैं बिना किसी से पूछे, माना जाएगा मेरा तुम्हारे ऊपर क्या है? कंट्रोल। और हम तुम्हारे क्या है? और याद रखना, होल्डिंग और सब्सिडरी में मेरा जो सब्सिडरी है उसका जो सब्सिडरी है वो मेरा भी सब्सिडरी है क्या? मेरा सब्सिडरी का सब्सिडरी मेरा सब्सिडरी। या मान लो मेरा दो सब्सिडरी है, मेरा कितना सब्सिडरी है? दोनों सब्सिडरी मिल करके तीसरा कंपनी में 51% शेयर होल्ड कर लिया, वो तीसरा कंपनी मेरा सब्सिडरी। मेरा सब्सिडरी लोग का सब्सिडरी तो नहीं माना जाएगा। मान लो मेरा सब्सिडरी दो है, S1 और S2, मेरा दो सब्सिडरी का नाम बताओ। एक कंपनी एक्स है, S1 उसमें 30% शेयर होल्ड कर रहा है, मेरा सब्सिडरी 1 उसमें 30% शेयर होल्ड कर रहा है, किसमें? एक्स में। मेरा सब्सिडरी 2 उसमें 30% शेयर होल्ड कर रहा है, दोनों 30% शेयर होल्ड कर रहा है कंपनी एक्स में। एक्स के अंदर 30% S1 होल्ड कर रहा है, 30% S2। क्या एक्स S1 का सब्सिडरी है? नहीं। क्या एक्स S2 का सब्सिडरी है? नहीं। किंतु क्या एक्स मेरा सब्सिडरी है? हाँ, क्योंकि मेरा ही सब्सिडरी लोग मिलकर के अटैक किया है और 50% से ज्यादा शेयर हासिल कर लिया है। बुद्धि में जा रहा है? तो जब मेरा सब्सिडरी लोग मिलकर के कंबाइनली 50% से ज्यादा शेयर हासिल कर लेते हैं ना किसी कंपनी में, वो कंपनी मेरा क्या माना जाता है? सब्सिडरी। यानी हम उसके क्या माने जाएंगे? केएमपी के अंदर सीईओ आएगा क्या?
की मैनेजरियल पर्सनल, सीईओ और एमडी और मैनेजर, बाई व्हाट एवर नेम यू मे कॉल, सीईओ और एमडी और मैनेजर, पॉइंट वन में सीईओ और एमडी और मैनेजर बाई व्हाट एवर नेम यू कॉल, सीएफओ आएगा, सीएस आएगा, हाँ आएगा सीएस, होल टाइम डायरेक्टर, एनी अदर ऑफिसर, सबसे पहले क्या था, सीईओ और एमडी और मैनेजर, सी और एमडी और मैनेजर, सीएफओ आएगा, सीएस आएगा, सीएफओ आएगा, सीएस आएगा, होल टाइम डायरेक्टर एंड एनी अदर ऑफिसर, फिर पे नंबर 13 में आएगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब ऑफिसर इन डिफॉल्ट के अंदर सबसे पहले क्या है, होल टाइम, और पॉइंट नंबर 2 में लिखा केएमपी, फ्लॉ समझ में आ रहा है, इन लोग का फ्लॉ, एक्ट का फ्लॉ समझ में आ रहा है, पहले लिखा होल टाइम फिर लिखा केएमपी, क्या फ्लॉ है, अरे केएमपी के अंदर ही तो कौन आता है होल्ड, हम लोग बहुत बार एक्ट में पड़े हैं, कुछ भी कर्मकांड करोगे तो कहां डाल देंगे, जेल, किसको जेल में डाल देंगे, कंपनी को कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जेल किसको होगा, जेल होगा ऑफिसर इन, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को जेल होगा, अभी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के अंदर ही पूरा लिस्ट आता है, सारा केएमपी लोग को जेल हो जाएगा क्या, हाँ सारा केएमपी लोग को जेल हो जाएगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट में सारा क्या आता है, होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है और कौन आता है, केएमपी, सारा का सारा केएमपी, एनी ऑफिसर अकॉर्डिंग टू हूज डायरेक्शन द बोर्ड हैज एक्टेड, द पर्सन अकॉर्डिंग टू हुम द बोर्ड हैज, मतलब जो भी उल्टा सीधा क्या दे रखा है, एडवाइस बुद्धि में जा रहा है, और वो डायरेक्टर जिसको ये सब के बारे में पता था बट ही हैज टेकन नो एक्शन, याद है एक डायरेक्टर रहता था जो खाली चुपचाप बैठा रहता था, आता था और चला जाता था, उसको सब कुछ पता रहता था, क्या वो भी लायबल है, वो भागीदार नहीं है, खाली उसको पता था, वो भी लायबल है, देखो पॉइंट नंबर 6 में, एवरी डायरेक्टर हु इज अवेयर ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन, दिखाई दे रहा है ना, वी ऑल नो ओआर एसआर, वी ऑल नो व्हाट इज ओआर एंड व्हाट इज एसआर, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में आपसे पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख का लिमिट है कि हट गया, प्राइवेट कंपनी एक ऐसा कंपनी रहता है जिसका आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन रहेगा, क्या क्या 3 रेस्ट्रिक्शन रहेगा, लिमिट्स द नंबर ऑफ व्हाट, मेंबर्स, लिमिट्स द नंबर ऑफ, हे प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू कितना, 200, प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 200, तो प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच विल लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, फ्रीली ट्रांसफर होगा कि रेस्ट्रिक्शन है, शेयर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टू आउटसाइडर, सो प्राइवेट कंपनी शेयर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द आउटसाइडर, शेयर ट्रांसफर ही नहीं हो सकता, प्रोहिबिशन है कि रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफरिंग द शेयर टू आउटसाइडर, प्रोहिबिशन है ऑन एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट, प्राइवेट कंपनी इज नॉट अलाउड टू इन्वाइट द पब्लिक डिपॉजिट, तो 3 रेस्ट्रिक्शन रहेगा आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी में, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू कितना 200, 3 रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी में, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 200, रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू आउटसाइडर, प्रोहिबिट्स द इनविटेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 200, रेस्ट्रिक्ट द शेयर ट्रांसफर टू, रेस्ट्रिक्ट द शेयर ट्रांसफर टू, प्रोहिबिट्स इनविटेशन फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, ट्रांसफर हो सकता है आउटसाइडर को, शेयर आउटसाइडर को ट्रांसफर हो सकता है क्या, प्राइवेट कंपनी का शेयर आउटसाइडर को ट्रांसफर हो सकता है क्या, जो हो सकता है बोल रहा है वो एक टर्म ड्रॉप कर दो, नहीं होगा, शेयर आउटसाइडर को ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं क्या, हाँ प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकता, 200 से ज्यादा हो सकता है क्या, क्या, तो 3 रेस्ट्रिक्शन है, मेंबर कितना तक होगा, शेयर आउटसाइडर को ट्रांसफर, पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकता, कौन, अच्छा जब ये 200 का मेंबर हम लोग गिनेंगे, 200 मेंबर, इंप्लॉय लोग गिना जाएगा, 200 के अंदर इंप्लॉयज आर काउंटेड कि नॉट काउंटेड, बोलिए, नॉट काउंटेड, इंप्लॉयज लोग तो काउंट नहीं होता है, अच्छा किंतु याद रखना, ऐसा इंप्लॉय जिसके पास मेरा कंपनी का शेयर भी है, मतलब ऐसा इंप्लॉय जिसके पास मेरा कंपनी का शेयर भी है, वो इंप्लॉय भी और वो शेयर होल्डर भी है, क्या वो 200 के अंदर गिना जाएगा, नहीं गिना जाएगा, द पर्सन हु इज माई इंप्लॉय ऑल्सो एंड शेयर होल्डर ऑल्सो स्टिल नॉट काउंटेड इन 200, वो 200 के अंदर नहीं आएगा, 200 अलग होता है, 200 प्योर शेयर होल्डर्स होते हैं, प्योर शेयर होल्डर्स, जो इंप्लॉय भी है शेयर होल्डर भी है वो 200 में नहीं आएगा, अच्छा ये समझो, तो शुरू में तो वो इंप्लॉय भी था और शेयर होल्डर भी था, क्या वो 200 के अंदर आएगा, नहीं, थोड़ा मुंडी हिलाओ, नहीं, नहीं आएगा, अच्छा अब वो इंप्लॉय से रिटायर हो गया, अब वो मेरा इंप्लॉय नहीं है,
अब वो मेरा एम्प्लॉई नहीं है, वो रिटायरमेंट ले लिया, वो रिटायरमेंट ले लिया, वो मेरा एम्प्लॉई नहीं है, अब वो खाली क्या है, शेयर होल्डर। एम्प्लॉयमेंट शुरू में था बट ही इज नो मोर एन एम्प्लॉय नाउ, ही इज ओनली द शेयर होल्डर। अब वो आएगा 200 के अंदर? आप कुछ समझ रहे हैं? शुरू में वो एम्प्लॉय भी था, शेयर होल्डर भी था, आएगा कि नहीं आएगा? जब वो एम्प्लॉय शेयर होल्डर दोनों था, हा नहीं आएगा। लेकिन अब तो वो रिटायरमेंट ले लिया है, अब वो मेरा खाली क्या लागे है, अब वो 200 के अंदर आएगा? नहीं आएगा। वो भी नहीं आएगा जो पहले एम्प्लॉय था और शेयर होल्डर भी था, एंड ही कंटिन्यूज टू बी द शेयर होल्डर ऑल्दो ही सीजेस टू बी एन एम्प्लॉय, ही कंटिन्यूज टू बी द शेयर होल्डर ऑल्दो ही सीज टू बी एन, स्टिल नॉट काउंटेड इन 200। एक्ट बोल रहा है हम नहीं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको बहुत फंसाने का कोशिश करेगा, बोलेगा ये एम्प्लॉय शेयर होल्डर दोनों है, आंडू पांडू लोग तो उसको इंक्लूड कर लेगा 200 में, बोले शेयर होल्डर भी है तो इंक्लूड कर देंगे। नहीं, ऐसे तो चीज हो तुम लोग, प्राइवेट कंपनी कभी अपना एम्प्लॉय को ईसॉप ही नहीं दे सकेगा। प्राइवेट कंपनी विल नेवर बी एबल टू गिव ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान टू इट्स एम्प्लॉयज। क्या एक प्राइवेट कंपनी के अंदर 200 से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं होता? बोलिए। अब 200 से ज्यादा एम्प्लॉय है, उन लोगों को शेयर पकड़ा दिए, ले खत्म। बोला तुम तो प्राइवेट कंपनी ही नहीं रहे, तुम्हारे यहां 200 से ज्यादा मेंबर हो गया। नो 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 नो, employees can have the shares and they are not counted in 200, and even if they retire and they continue to be the shareholder, still they will not be counted in 200. Restriction hai, limits the number of member to, restricts the transfer of share to, prohibits invitation of, paid up share capital minimum, no minimum, ek rupiya se bhi chalu kar sakta hai kya private company? Fair enough, फेयर इनफ। खाली ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में ही 1 लाख और 5 लाख का रिक्वायरमेंट था पेड अप शेयर कैपिटल का। देर वर अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो, नो अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड द मिनिमम पेड अप कैपिटल टू स्टार्टअप। सोल प्रॉपर्टी खोलने के लिए तुमको मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए? कुछ नहीं। पार्टनरशिप खोलने के लिए मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है ना बचपन में, पार्टनरशिप एक्ट में कोई मिनिमम कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है? देन व्हाई द कंपनीज एक्ट इज गोइंग टू प्रिस्क्राइब मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 5 लाख? If I can start the company with 500, why not? Allow me. Allow me. Allowed. Promoter मतलब वही होता है जिसका नाम prospectus में लिखा हुआ हो या जो control कर रहा हो affairs of the company, whose name has been mentioned in the prospectus. Point number B, who is controlling the affairs of the company. Point number C, जिसके इशारों पर board of director लोग काम कर रहे हैं। तो promoter में 3 जन, जिसका नाम कहां लिखा हुआ है prospectus, वो प्रमोटर माना जाएगा, जो कंट्रोल करता है बोर्ड को और जो कंट्रोल करता है अफेयर्स को। नो, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज ऑब्वियसली नॉट अ प्राइवेट कंपनी। क्या पब्लिक कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं? हाँ। क्या आउटसाइडर को शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है? पब्लिक कंपनी का जो सब्सिडी रहेगा ना, वो डीम टू बी क्या हो जाएगा? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का सब्सिडी इज अ डीम पब्लिक कंपनी। PFI, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिखाई दे रहा है। LIC का नाम सुना है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो याद रखना, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक एग्जांपल दो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नाउ रिलेटिव, रिलेटिव में सबसे गहरा रिश्ता किन लोग में रहता है? अरे हस्बैंड एंड वाइफ, पता ही नहीं है आप लोग को, एक्सपीरियंस नहीं है, घर में नहीं है क्या कोई हस्बैंड एंड वाइफ जिसको प्यार से हम लोग मां बाप बोलते हैं? बोलते एक्सपीरियंस नहीं है। बोले अभी भगवान करे एग्जाम में तुमको एक्सपीरियंस नहीं मिले। सुनो, एक ही बार में होगा ना। अच्छा सुनिए, रिलेटिव में हस्बैंड वाइफ आएगा क्या? हस्बैंड वाइफ आएंगे, मेंबर्स ऑफ कौन आएंगे? HUF, हस्बैंड वाइफ मेंबर्स ऑफ HUF, खत्म। इसके अलावा और 8 जन, हस्बैंड वाइफ खत्म, मेंबर्स ऑफ HUF खत्म। अब 8 जन, अब 8 जन जो है अपने ऊपर देखो, फादर एंड मदर, ब्रो एंड सिस, सन्स एंड सन्स वाइफ, डॉटर एंड डॉटर हस्बैंड, 8 जन हो गए, पता ही नहीं चला। माँ बाप, भाई बहन, लड़का बहू, लड़की जवाई, बड़ो। सब्सिडी कंपनी पढ़ ली है क्या मेरे बच्चों? हम लोग
डिड वी रीड सब्सिडरी कंपनी? अच्छा एक चीज याद रखना, सेक्शन 2 क्लॉज 87 में एक अमेंडमेंट है। पहले हम लोग होल्डिंग या सब्सिडरी में नॉमिनल कैपिटल देखते थे, क्या देखते थे बताओ तो, अब खाली पेड अप देखना है, पेड अप वो भी इक्विटी। सब्सिडरी कंपनी के माथे पे लिख दो पेड अप इक्विटी, पेड अप इक्विटी। पहले हम लोग नॉमिनल कैपिटल देखते थे, अब खाली पेड अप इक्विटी देखना है। समझ में ही नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। पहले हम होल्डिंग है कि नहीं है, पहले हम होल्डिंग है कि कैसे देखते थे, 50% से, 50% से ज्यादा अगर हम सामने वाला का क्या होल्ड करें शेयर, उसका शेयर में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों देखते थे, और वो भी नॉमिनल वैल्यू देखते थे। हम होल्डिंग है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, व्हेन आई एम होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द अदर कंपनी, मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द अदर कंपनी, वो अदर कंपनी का जो शेयर कैपिटल रहता था वो इक्विटी देखते थे कि प्रेफरेंस देखते थे, दोनों देखते थे, और पेड अप देखते थे, फेस वैल्यू देखते थे। फेस वैल्यू यानी क्या, नॉमिनल। अब से क्या देखना है, पेड अप, और खाली क्या देखना है, इक्विटी। तो जो आप लोग पढ़ेंगे उस समय नॉमिनल वैल्यू लिखे होंगे, बट अब वो हट करके क्या हो गया है, पेड अप। आपके एग्जाम के लिए पेड अप एप्लीकेबल है। उसके बाद हम लोग अलग अलग केसेस जो है अभी हम आपके साथ बताएं। मेरा सब्सिडी का, सब्सिडी का मेरा सब्सिडी माना जाएगा? Yes, अगर दो सब्सिडी मिल करके अटैक कर दिए तीसरा के ऊपर, वो तीसरा भी मेरा सब्सिडी माना जाएगा? अगर मेरा सब्सिडी लोग, मेरा बच्चा लोग 50% से ज्यादा हासिल कर दिया मेरे लिए, तो मेरा क्या है, सब्सिडी। कैन एनीवन से व्हाट इज अ डोरमेंट कंपनी? डोरमेंट कंपनी मतलब क्या होता है? No significant accounting transaction, बोलो। जिस कंपनी में there is no significant accounting transaction, the company which is having no significant accounting transaction, that company is treated as which company? Dormant company. Dormant company is a company having no significant accounting transaction. Now listen to me. अब कंपनी खोल दी है, कोई रेवेन्यू नहीं है, कोई रेवेन्यू, बट फिर भी कंपनी का हमको आरओसी फाइलिंग तो करना पड़ता है ना, तो हम एक आदमी रख रखे हैं आरओसी फाइलिंग के लिए, उसको हम फीस देते हैं। क्या ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो गया क्या? कंपनी को मेंटेन कर रहे हैं, ऑफिस को मेंटेन कर रहे हैं, कोई रेवेन्यू नहीं है, देयर इज नो रेवेन्यू जनरेटेड इन द कंपनी, आई एम जस्ट बियरिंग द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द कंपनी। अरे कंपनी है तो आरओसी को फाइलिंग तो करना ही पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा। एंड डोरमेंट कंपनी को क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा? कैश फ्लो बनाने का दरकार नहीं है, तो अब इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इसको हमको सैलरी देना पड़ता है, इससे आरओसी फाइलिंग कराते हैं, इसको सैलरी देना पड़ता है, क्या हम डोरमेंट कंपनी माने जाएंगे? Because there is no significant accounting transaction. Maintenance expense, just paying maintenance expense does not mean I am doing a significant accounting transaction. Still I can claim the status of which company? Nidhi company. Nidhi company एक special company होता है जो आपस में mutual benefits के लिए members लोग खोलते हैं। Nidhi company क्या होता है? Nidhi company क्या होता है? जो आपस में mutual benefits के लिए members लोग खोलते हैं। Which is open for the mutual benefits among the members. उन लोग में savings habit develop कर सके, क्या develop कर सके? मान लो हम लोग 10-15 जन मिलकर के एक निधि कंपनी खोल दिए, क्या धंधा है हम लोग का? कुछ धंधा नहीं है, धंधा कुछ नहीं है, आपस में ही हम लोग सेविंग क्या करेंगे, मेंबर्स लोग सेविंग करके कंपनी को रुपया चढ़ाएगा, कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाएगा। अब कंपनी उसके ऊपर कहां से इंटरेस्ट चुकाएगा? दूसरा मेंबर को लोन देकर के जो इंटरेस्ट कमाएगा उससे हम इंटरेस्ट चुकाएंगे जो मेंबर मेरे पास डिपॉजिट किया। अपने 10-15 जन है, आप सेविंग्स करिए मोहतरमा, आप सेविंग्स करिए, डेवलप द सेविंग, ओके। सेविंग डेवलप करके इन्होंने मेरे को 10 लाख दिया, हम इसके ऊपर आपको 9% ब्याज देंगे, 9% ब्याज देंगे। अब हमारे पास ये ब्याज कहां से आएगा? हम 12% पे उसको लोन दे रखे हैं, नहीं समझा रहे बाबा? 12% का इंटरेस्ट रेट का लोन होता है कि कम होता है? मुंडू कम होता है, 12% से भी बहुत ज्यादा होता है, 15% होता है। अपना क्रेडिट कार्ड का कभी इंटरेस्ट रेट देखा है? 30%, 35% तक जाता है, 36% तक जाता है। वो क्रेडिट कार्ड वाला लोग तुमसे लेता है से फॉर एग्जांपल 3-4% महीना का है, वो एक महीना का 3-4% चार्ज करता है, साल भर का हो गया पता है कितना, 36%। नहीं भैया ऐसा, हाउसिंग लोन तो भैया 9.5% में मिल जाता है, 9.5-10% में मिल जाता है। तो हाउसिंग लोन के लिए तुमको अपना घर गिरवी रखना पड़ता है, ये क्या गिरवी रख रहा है, कुछ नहीं, जस्ट बिकॉज आप मेंबर है इसलिए हम आपको लोन दे रहे हैं, नहीं समझा? जो भी ये अपना घर है, घर एक परिवार,
डूबेगा तो यहीं डूबेगा, मेंबर लोग का ही आपस में डूबेगा। आपसे हम कोलेटरल लेंगे क्या? नहीं। बैंक वाला लोग क्या लेता है? कोलेटरल है तुम्हारे पास कोलेटरल देने के लिए? नहीं। और पर्सनल लोन लेने जाओगे तो कोलेटरल भी लगेगा और 12% 13% भी लगेगा, और यहां हम तुमको 12% में दे रहे हैं बिना कोलेटरल के। अब वहां से जो इंटरेस्ट आया करेगा हम दूसरा मेंबर को दिया करेंगे। वो डिफॉल्ट कर दिया तो? हाँ, तो ऐसा फटी चलो को मेंबर ही नहीं बनाना चाहिए ना। कोई भी बिजनेस किसके साथ करना चाहिए? इक्वल स्टेटस वालों के साथ। तो हम लोग इक्वल स्टेटस है, इसलिए हम लोग एक निधि कंपनी खोले। तो निधि कंपनी का निधि लड़की से कोई लेना देना नहीं है, पहला बात, जिसके बारे में बहुत बार रहता होगा, शायद उसको सम्मान देने के लिए कुछ बोला जा रहा हो। निधि कंपनी मतलब, निधि एक क्या है? निधि एक क्या है? हिंदी वर्ड है, इट्स अ हिंदी वर्ड। व्हाट डज निधि सजेस्ट? आपका नाम निधि ही है? वाह, बताइए। हाँ हाँ, इट्स अ रत्न, रतन, रतन। अब रतन कौन है मत पूछना। तो निधि कंपनी इज अ कंपनी विच इज फॉर्म टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग्स अमंग द मेंबर्स, डेवलप द हैबिट ऑफ, डेवलप द हैबिट ऑफ कॉस्ट कटिंग एंड सेविंग अमंग द मेंबर्स। और फिर जो रुपया आएगा हम लोग इंटरेस्ट दिया करेंगे। कहां से इंटरेस्ट चुकाएंगे? लोन देकर के जो इंटरेस्ट कमाएंगे वहां से। एक क्या फायदा हो रहा है ये रिविजन? हाँ नहीं, फायदा हो रहा है। ये फायदा ये हो रहा है कि तुमको बुक खोलने से डर नहीं लगेगा, बस यही है कि एक बार मेरे सामने बुक खोल लोगे तो बुक खोलने से आपको डर नहीं लगेगा। पे नंबर 21, मीटिंग्स एकदम रैपिड, एकदम फायर के अंदर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग आर देयर? टू टाइप्स जो बोल रहा हूं उसका खेला खत्म है, उसको एक टर्म जो है वो ड्रॉप करना चाहिए। एजीएम, ईजीएम एंड सीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्सटर्नल जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग। वो पता लगा कि क्लास मीटिंग का प्रोविजंस आर सेम एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग, एजीएम, ईजीएम एंड सीएम। एनुअल जनरल मीटिंग, टर्न द पेज। एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है, सेक्शन नंबर बताओ। एजीएम का सेक्शन 96 याद रखना है, ईजीएम का सेक्शन 100, एजीएम का 96। अब जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है वो 15 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए फ्रॉम लास्ट एजीएम। एजीएम शुड बी हेल्ड 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट, जो पिछला एजीएम हुआ था वहां से 15 महीना के अंदर, या फिर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 6 मंथ। पिछला एजीएम से 15 महीना, फाइनेंशियल ईयर के एंड से 6 मंथ, व्हिच एवर इज अर्लियर। 15 मंथ्स फ्रॉम, 15 मंथ्स फ्रॉम, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ, व्हिच एवर इज अर्लियर। अगर हम टाइम पर एजीएम नहीं किए, लेट किए, एजीएम इज वैलिड कि इनवैलिड? वैलिड, बिकॉज वैलिडिटी डिपेंड करता है प्रॉपरली कन्वेंट, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, प्रॉपरली कंडक्टेड। मेयरली आई एम कंडक्टिंग एजीएम 2 days लेट और 3 days लेट डज नॉट रेंडर इट टू बी इनवैलिड, बिकॉज वैलिडिटी और इनवैलिडिटी डिपेंड्स ऑन 3 कंडीशन, प्रॉपरली कन्वेंट, कॉन्स्टिट्यूटेड एंड कंडक्टेड। अगर हम नोटिस देकर के बुलाए हैं, प्रॉपर नोटिस देकर के, तो प्रॉपरली क्या है? कन्वेंट। कोरम आया है तो प्रॉपरली क्या है? नोटिस से प्रॉपरली क्या होता है? कोरम से प्रॉपरली क्या होता है? और जहां ओआर चाहिए वहां ओआर लगा रहे हैं, जहां एसआर चाहिए वहां एसआर लगा रहे हैं, प्रॉपरली कंडक्टेड। मेयरली एजीएम कंडक्टेड लेट डज नॉट रेंडर इट इनवैलिड, इट जस्ट दैट एजीएम इज नॉट हेल्ड इन टाइम फॉर विच आई एम रेडी टू पे द पेनल्टी। आर वी थ्रू विद दिस? फर्स्ट एजीएम जो है उसके लिए एक ही टाइम है, 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम का लास्ट एजीएम कुछ होगा क्या? तो फिर ये फर्स्ट एजीएम कैसे हुआ जब लास्ट एजीएम है? तो फर्स्ट एजीएम का टाइम लिमिट जो है नॉर्मली 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट एजीएम, 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, व्हिचेवर इज अर्लियर। फर्स्ट एजीएम का टाइम लिमिट है 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से। अच्छा, अगर आप टाइम पर फर्स्ट एजीएम कर ले रहे हैं, आपको पहला साल में कोई एजीएम करने का दरकार? पहला साल का एजीएम तो कर ही रहे हैं, बट पहला साल में नहीं कर रहे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एजीएम में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? एनुअल अकाउंट, प्यार से क्या बोलते हैं? अड्डा। इट्स अ यूनिवर्सल वर्ड, अड्डा इज अ यूनिवर्सल वर्ड। एनुअल अकाउंट, डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग, डिविडेंड, ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स रेमुनरेशन। सबसे पहले क्या था? एनुअल अकाउंट। तो लेट द ईयर गेट ओवर ना, तभी तो एनुअल अकाउंट डिस्कस करेंगे। पहला साल के पहले दिन हम बोल दिए आओ एजीएम कर लेते हैं, शेयर होल्डर लोग गाली गलौज करने लगा,
बोला पगला गए हो क्या, बैलेंस शीट पीएल अभी तक बना थोड़ी ना है। हम बोला सही बात है, तो कब एजीएम करेंगे? पहला साल खत्म होने के बाद कितना महीना के अंदर? पहला साल का एजीएम करेंगे? पहला साल में नहीं करेंगे, पहला साल खा करेंगे, पहला साल खा करेंगे, पहला साल में नहीं करेंगे। अच्छा, 6 months है कि 9 months? यानी 3 महीना का ऑलरेडी एक्सटेंशन मिल गया ना। अब चाहे स्पेशल रीजन हो, चाहे कैसा भी रीजन हो, चाहे ऑर्डिनरी रीजन हो, चाहे स्पेशल रीजन हो, देयर इज नेवर एनी एक्सटेंशन इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम ड्यूड, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गिवन 3 months इनबिल्ट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन फर्स्ट एजीएम में है कि नहीं है? कहां पर है? सब्सिक्वेंट एजीएम में। कितना महीना मैक्सिमम? मैक्सिमम 3 महीना का एक्सटेंशन मिलेगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्पेशल रीजन, बट वी हैव टू अप्लाई टू किसको? आरओसी। अरविंद थ्रो विद दिस ऑन द पेज सेक्शन 100, यू डिफाइन सेक्शन 100 एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। डायरेक्टर लोग का जब मन होगा शेयर होल्डर लोग का एजीएम बुला सकता है, लेकिन शेयर होल्डर लोग का भी जब मन होगा उन लोग भी डायरेक्टर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि हम लोग के लिए एक एजीएम बुलाओ। बट शेयर होल्डर लोग जिन लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दे शुड मेक अ रिटन रिक्वेस्ट टू डायरेक्टर एंड दे शुड बी हैविंग 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर, एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर। अकेला के पास 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है तो चलेगा? अकेला 2 किला 3 किला 4 किला नहीं देखना है, 1/10। आपके पास अगर 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है, make a written request to the board of director. Directors will have to take steps within 21 days so that the meeting is conducted within 45 days. Failing which, you yourself call the meeting within 3 months. आपके पास अगर 1/10 of the paid up share capital है, make a written request to किसको? Directors को step लेना पड़ेगा within? Take steps within? Take steps का मतलब होता है notice वगैरह dispatch करो, notice वगैरह dispatch कर दो within, so that the meeting is conducted within. नहीं तो आप खुद से meeting बुला लीजिएगा 3 महीना। अच्छा, आप लोग खुद से मीटिंग बुलाएंगे 3 महीना में तो खर्चा लगेगा, वो खर्चा आप कंपनी से ले लीजिए, खर्चा कंपनी से ले लेवे, सेहोल्डर लोग खर्चा कंपनी से ले लेवे, कंपनी किससे ले लेवे? डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स जो मीटिंग बुलाने नहीं दिया। रीजनेबल एक्सपेंसेस, नॉट ऑल द एक्सपेंसेस। तुम बुफे पार्टी करोगे उसका नहीं मिलेगा, मॉकटेल कॉकटेल पार्टी करोगे उसका नहीं मिलेगा। जब आप ये रिविजन क्लास कर रहे हो, इट इज एक्सपेक्टेड कि आप थोड़ा बहुत तो पढ़ करके आए हो, ऐसे सीधा एकदम भूत की तरह आप नहीं बैठे हो कि सर जो है ऐसे करेंगे जादू की तरह और ऐसे करेंगे बस झाड़ा लगा देंगे। और आई होप यू आप यही सोच करके आए हो, बहुत जन तो यही सोच करके आता है। रीजन क्लास है जो इतना महीनों से पढ़े हैं, भले ही हम लोग नहीं पढ़े हैं आज सारा हो जाएगा। कितना बच्चा लोग पढ़ करके आया? ब्रावो, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1, कास्टिंग वोट के ऊपर क्या विचार है? फटाफट बोल। चेयरमैन को कास्टिंग वोट हमेशा मिलेगा कि जब टाई होगा? टाई होने से कुछ नहीं होता, आर्टिकल में भी लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो कास्टिंग वोट मिलने वाला नहीं। चेयरमैन को कास्टिंग वोट मिलेगा 2 conditions, देयर शुड बी अ टाई, इट शुड बी मेंशन इन द आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में, मिस्टर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ गुजरात, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कोरम अकाउंट होगा? प्रेफरेंस होल्डर लोग कोरम अकाउंट होगा? Preference holder log quorum mein count hoga only in the matters which affect their rights. Preference holders are counted in the quorum only in the matters which affect their rights. For example, liquidation, capital reduction. Liquidation, capital reduction. Mr. D, pre-limited, Q-limited, R-limited. Kitna bar count hoga? Proxies are counted in quorum? No. Sunna, notice de diye. नोटिस देने के बाद गवर्नमेंट बोलता है अरे ये तो नेशनल हॉलिडे है, पहले क्यों नहीं बोले हम नोटिस दे चुके हैं? मीटिंग होगा? अटा डिसऑर्डर केओस है, मीटिंग एडजर्न कर देंगे? डायरेक्टर लोग को क्या रीजन बताना पड़ेगा ईजीएम बुलाने का? हम लोग ईजीएम का रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या डायरेक्टर को रीजन बताना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था LIC वर्सेस एस्कॉर्ट जिसमें रीजन बताने का दरकार नहीं था, लेकिन अब सेक्शन 100 सबसेक्शन 3 में साफ साफ लिखा हुआ है, सेक्शन 100 सबसेक्शन 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि रीजन बताने का दरकार है। सुनना, जो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन था ना, वो मुंह उठा करके आ गया, बोलता है हम ही जनरल मीटिंग के चेयरमैन है। बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन जो था वो मुंह उठा करके जनरल मीटिंग में भी चेयरमैन बनकर के आ गया। वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। जनरल मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा? विच इज मेंशन इन द आर्टिकल्स। हाँ, अगर उसका नाम लिखा हुआ है आर्टिकल में तब वो बन सकता है चेयरमैन जनरल मीटिंग का, लेकिन अगर आर्टिकल में नाम लिखा हुआ नहीं है, चेयरमैन का जनरल मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा जिसका नाम आर्टिकल में लिखा हुआ? आर्टिकल में नाम लिखा हुआ तो सेक्शन 104 बोलता है कि मेंबर्स ऑफ द जनरल मीटिंग शैल इलेक्ट अमंगस्ट देमसेल्व्स वन बाय द शो ऑफ हैंड। मान लो तुम शो ऑफ हैंड से जीता गया, तुम चेयरमैन बन गया बाय शो ऑफ,
उसके बाद अगर कोई पोल डिमांड किया, कौन डिमांड किया? कौन डिमांड करेगा? मेंबर। अगर कोई बोला कि शो ऑफ हैंड से ये चेयरमैन सिलेक्ट हुआ, हम लोग को पसंद नहीं आ रहा, हम लोग पोल से चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मेंबर्स कैन डिमांड पोल। मेंबर तभी पोल डिमांड कर सकता है जब उसके पास 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर। यहां पर 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल खाली होने से चलेगा कि मिनिमम 5 लाख? 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम। ईजीएम बुलाने के लिए खाली 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए, वहां 5 लाख नहीं चाहिए। ईजीएम बुलाने के लिए खाली क्या चाहिए? लेकिन पोल डिमांड करने के लिए 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल तो चाहिए ही, प्रोवाइडेड द 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हैविंग द पेड अप वैल्यू ऑफ मिनिमम, देन यू कैन डिमांड। फिर पोल से जो जीतेगा वही चेयरमैन माना जाएगा। पहले आप लोग चेयरमैन आर्टिकल्स में देख लो, नहीं है तो सो ऑफ हैंड से किसी को पकड़ लो। फिर सो ऑफ हैंड से जो आया है चेयरमैन, आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है क्या? तो अगर आपके पास 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है, हैविंग मिनिमम पेड अप वैल्यू ऑफ 5 लाख, आप पोल डिमांड कर सकते हो। और फिर जो पोल से जीत करके आएगा वो चेयरमैन रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द मीटिंग। लेकिन अगला मीटिंग में फिर से ये सब नौटंकी होगा जब तक नाम नहीं लिख देते कहां पर। कैन टू एजीएम्स बी हेल्ड? कैन टू एजीएम बी हेल्ड ऑन द सेम डे? सेपरेट नोटिस दे दो, सेपरेट नोटिस सेपरेट टाइम। टू एजीएम कैन बी हेल्ड ऑन द सेम डे बाई प्रोवाइडिंग सेपरेट नोटिस एट सेपरेट टाइम। एनुअल जनरल मीटिंग कहां पर होता है बताइए तो? एजीएम कहां पर होता है? एनुअल जनरल मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस में होता है। लेकिन अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में करने का मन, एजीएम रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं करने का मन है तो सेम सिटी टाउन विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। कलकत्ता में हम कहीं पर भी कर सकते हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर 9 a.m. to 6 p.m. on a day which is not a national holiday, on a day which is not a national holiday. Are we through with this? अच्छा, तो AGM का तो बात हो गया। अब AGM को लेकर के कंपनीज एक्ट इज AGM का डेट टाइम प्लेस तो बात हो गया। On a day which should not be a national holiday, time 9 a.m. to 6 p.m. business hours, place क्या होगा? Registered office या same city town place in which the registered office is situated. AGM का तो बात कर लिया। AGM का डेट टाइम प्लेस को लेकर के कंपनीज एक्ट इज तो SS2 फॉलो करना चाहिए, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 पढ़ाया हुआ है ना SS2 आप लोगों को। अब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है? एनीवेयर इन इंडिया बट ड्यूरिंग विच आवर बिजनेस आवर 9 a.m. to 6 p.m. ऑन अ डे अदर देन द नेशनल हॉलीडे, ये SS2 में लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट इज अबाउट व्हाट? EGM। तो SS2 के हिसाब से कर लो, वो भी यही बोलता है 9 a.m. to 6 p.m. एनी डे अदर देन द नेशनल हॉलीडे बट इन इंडिया। We came to page 30, notice. अब notice का section कौन सा था? 101 और उसका explanatory statement 102. क्या notice के अंदर day, date, time, place लिखा हुआ रहेगा? It should contain day, date, time, place. Agenda रहेगा? मतलब list of the business to be discussed. क्या chairman agenda का order को change कर सकता है? कुछ item छूट गया तो meeting क्या कर देंगे? नया आइटम हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, नया आइटम हम लोग डिस्कस विच इज नॉट मेंशन इन द एजेंडा। नोटिस मस्ट बी सेंट टू ऑल द मेंबर्स। डायरेक्टर को देना पड़ेगा क्या? हाँ। ऑडिटर को देना पड़ेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मेंबर, ऑडिटर, डायरेक्टर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। नाउ 21 क्लियर डेज मतलब होता है कि डेट ऑफ सर्विस एंड डेट ऑफ मीटिंग, जिस दिन नोटिस सर्व हो रहा है और जिस दिन मीटिंग हो रहा है, बोथ आर एक्सक्लूडेड। बीच में 21 डेज होना चाहिए। सर्विस वाले दिन को हटाओ, मीटिंग वाले दिन को हटाओ, बीच में 21, इसको बोलते हैं 21 क्लियर डेज। इफ द नोटिस इज ऑफ बाय एडवर्टाइजमेंट और ईमेल, नोटिस इज ऑफ बाय एडवर्टाइजमेंट और किस दिन सर्विस होगा? उसी दिन। लेकिन अगर पोस्ट से भेजोगे तो 48 आवर्स बाद। एडवर्टाइजमेंट ईमेल सेम डे सर्व हो जाएगा, पोस्ट वाला 48 आवर्स बाद। शॉर्टकट हम बता दिए थे कि जिस दिन एडवर्टीजमेंट या ईमेल हो रहा है 22 दिन जोड़ो आंसर आ जाएगा, पोस्ट में 24 दिन जोड़ो आंसर आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट हुआ 1 तारीख को, एडवर्टीजमेंट या ईमेल हो रहा है 1 तारीख को, मीटिंग का आंसर बताओ 23-22 दिन जोड़ो आंसर आ जाएगा, पोस्ट में 24 दिन जोड़ो आंसर आ जाएगा। 1 तारीख को पोस्ट हुआ तो आंसर 25।
एडवर्टीजमेंट ईमेल में कितना दिन जोड़ देगा, पोस्ट में कितना दिन जोड़ देगा? इट विल टेक केयर ऑफ 21 क्लियर डेज ऑटोमेटिकली। हाउएवर अगर आप 21 क्लियर डेज का नोटिस नहीं भेज सक रहे हैं, शॉर्टर नोटिस भेज रहे हैं, वैलिड होगा शॉर्टर नोटिस। अगर शॉर्टर नोटिस भेजने का तुमने परमिशन ले लिया था पहले ही, एंड 95% ऑफ द टोटल मेंबर्स हैव अग्रीड, इफ एटलीस्ट 95% ऑफ द टोटल मेंबर्स हैव, देन यू कैन कॉल द मीटिंग बाय गिविंग शॉर्टर नोटिस। कितना परसेंट वोट्स? 95% ऑफ वोट्स की टोटल मेंबर, टोटल मेंबर्स 95% ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल की टोटल मेंबर्स। फिर सेक्शन 102 में आ गए थे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हम लोग को सब चीज के लिए चाहिए कि स्पेशल बिजनेस के लिए? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मस्ट बी एनेक्स विद द नोटिस, नोटिस के साथ चिपका दो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को, बट खाली क्या चीज के लिए? स्पेशल बिजनेस। अड्डा को छोड़ करके सभी कुछ क्या होता है? अच्छा, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सुना है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल यानी ऑथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा देना, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, सब्सिडेशन ऑफ शेयर। माय क्वेश्चन इज कि ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल जो है उसके लिए वी रिक्वायर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की स्पेशल रेजोल्यूशन? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए, लेकिन ये ऑर्डिनरी बिजनेस है कि स्पेशल बिजनेस? स्पेशल बिजनेस। अरे अड्डा को छोड़ करके सभी कुछ क्या होता है? जहां ओआर चाहिए क्या वो ऑर्डिनरी बिजनेस हो गया क्या? तो ऐसा फालतू बात कभी मत करना कि जहां ओआर चाहिए वहां ऑर्डिनरी बिजनेस हो गया। अड्डा को छोड़ करके सभी कुछ क्या है? अब स्पेशल बिजनेस के लिए मेरे को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बना करके नोटिस के साथ चिपकाना पड़ेगा। जितना भी स्पेशल बिजनेस रहेगा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। अगर ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हैं तो कितना बढ़ा रहे हैं एग्जैक्टली लिखो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। खाली एजेंडा में तो क्या लिखा हुआ है, आइएगा विल टॉक अबाउट इंक्रीजिंग द ऑथोराइज शेयर कैपिटल, बट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ मच इज द लिमिट दैट वी इंटेंड टू इंक्रीज, व्हाट विल बी द फीस सबमिटेड टू आरओसी फॉर इंक्रीजिंग द ऑथोराइज शेयर कैपिटल, व्हाट विल बी द प्रोसीड यूज्ड फॉर, व्हाट इज द मोटिव ऑफ इंक्रीजिंग द ऑथोराइज शेयर कैपिटल, कितना से बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ा रहे हैं, फीस क्या लगेगा, फॉर्मेलिटीज क्या लगेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में पूरा एक्सप्लेन करो और नोटिस के साथ एनेक्स करके भेजो। कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक्स वाई जेड के साथ, तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा होगा कंपनी को, पूरा एक्सप्लेन करके भेजो। कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं पूरा एक्सप्लेन करके भेजो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। और अगर मेरा कंपनी का डायरेक्टर और केएमपी लोग का उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी इंटरेस्ट है वो भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिख दो कि मेरा डायरेक्टर, हम लोग का कंपनी का एक डायरेक्टर है जेड, उसका भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। नहीं समझा? तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विल ऑल्सो इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड केएमपी इफ एनी इन द कॉन्ट्रैक्ट विच इज प्रपोज टू बी डिस्कस इन द जनरल मीटिंग, द कॉन्ट्रैक्ट विच वी आर प्रपोजिंग टू डिस्कस इन द, उसके अंदर अगर कोई इंटरेस्ट है हम लोग का डायरेक्टर या वो भी आपको बताना पड़ेगा। बुद्धि में नहीं जा रहा है? और एक चीज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में धांसू चीज बताना पड़ता है, सुन लीजिए। मेरा कंपनी किसी सामने वाला कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हम लोग का कंपनी जिस कंपनी के साथ क्या कर रहा है, उस कंपनी के अंदर, सामने वाला कंपनी के अंदर 2% या 2% से ज्यादा शेयर हम लोग का कंपनी का डायरेक्टर प्रमोटर केएमपी अलॉन्ग विद द रिलेटिव्स, डायरेक्टर प्रमोटर केएमपी एंड देयर रिलेटिव्स आर होल्डिंग कितना परसेंट? 2% और मोर शेयर इन दैट कंपनी विथ होम वी आर गोइंग टू ट्रांजैक्ट। हम लोग का कंपनी जिस कंपनी के साथ क्या कर रहा है ट्रांजैक्शन, मेरा कंपनी जिस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, अगर उस कंपनी का 2% या उससे ज्यादा शेयर, उस कंपनी का 2% या उससे ज्यादा शेयर मेरा डायरेक्टर प्रमोटर केएमपी एंड रिलेटिव्स मिला जुला करके 2% या उससे ज्यादा शेयर उस कंपनी में होल्ड कर रहा है जिसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो भी हम लोग को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि वी आर डूइंग द ट्रांजेक्शन विद सच अ कंपनी इन व्हिच 2% ऑफ मोर शेयर आर बीइंग हेल्ड बाय आवर कंपनी डायरेक्टर प्रमोटर केएमपी एंड देयर रिलेटिव्स। आर वी थ्रू विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स? अमेंडमेंट कौन लेकर के आएगा? फास्ट अमेंडमेंट लाने का पावर किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, क्लैरिफिकेशन डीसीए डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर, अमेंडमेंट क्लैरिफिकेशन फॉर्म फाइलिंग कोरम है। आइए प्राइवेट कंपनी के लिए कोरम, जो 5 बोले खेला खत्म है उसका। प्राइवेट कंपनी के लिए कोरम मतलब प्राइवेट कंपनी 2 मिनिमम 2 मेंबर से खुलता है लेकिन इसको कोरम 5 चाहिए। कंपनी में ही 2 जन है बट मीटिंग में इसको 5 चाहिए। प्राइवेट कंपनी में कोरम कितना रहेगा? 2 और आर्टिकल विच एवरेज 2 और आर्टिकल विच एवरेज
पब्लिक कंपनी जो होता है, पब्लिक कंपनी में कोरम रहेगा 5-15-30, 5-15-30 और आर्टिकल विच एवर इज 5-15-30, इसलिए बोले अप टू 1000 मेंबर है। जिस पब्लिक कंपनी में 1000 मेंबर तक है 5, 1000 से ज्यादा है अप टू 5000 है 15, जिस पब्लिक कंपनी में 5000 से ज्यादा है 30, अप टू 1000 5, 1000 टू 5000 15, मोर देन 5000 30 और आर्टिकल विच एवर इज हायर। कोरम शुड बी प्रेजेंट विद इन हाउ मेनी मिनट्स? हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग, अदरवाइज द मीटिंग शैल बी ऑटोमेटिकली एडजर्न। Meeting shall be automatically adjourned same day, same time, same place, but in the next week, or to such other day, time, place as the board of directors may decide. Can the directors decide any other day, any other time, any other place? जरूरी है same day, same time, same place में होगा कि director लोग कोई और दिन, कोई और वक्त, कोई और जगह decide कर सकता है? और अगर meeting आप लोग request करके बुलाए थे, कौन सा meeting आप लोग request करते हैं? EGM, अगर सारे EGM नहीं, जो EGM तुम लोग request करके बुलाया था और कोरम खुद ही नहीं आया, इट हर्ट्स, कैंसिल, डिसॉल्व। अच्छा, डायरेक्टर लोग एजीएम बुलाया था तो क्या होगा? एजीएम क्या होगा? एडजर्न। एजीएम भी रिक्वेस्ट करके होता है बेसरम। और अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, भाड़ में क्या कोरम? इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो द कोरम इज, मीटिंग शैल बी कंडक्टेड कि नॉट कंडक्टेड। कितना बार एडजर्न करेंगे? एक बार एडजर्न कर दिए ना, for the want of quorum we have adjourned the meeting once now, for twice want of quorum we cannot adjourn it, for want of quorum once we have adjourned the meeting na re baba, ab agar quorum wapas se nahi aaya, quorum wapas se nahi aaya, at the adjourned meeting also quorum is, adjourned meeting mein bhi quorum, meeting hoga ki nahi hoga? Acha, adjourned meeting ka notice hum log ko dena padega kya? Ha, 3 din pehle before the adjourned meeting notice should be given about the adjourned meeting, at least 3 days before the पे नंबर 42 सेक्शन 104 चेयरमैन पढ़ लिए क्या? Yes, 104 खत्म। अच्छा, कोरम कौन सा था? 103। एजीएम कौन सा था? एजीएम 100, नोटिस 101। अरे यार, एजीएम 96, एजीएम 100, नोटिस 101, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट 102, कोरम, कोरम अभी तो बताया 103, चेयरमैन 104, प्रॉक्सी अपना 105, प्रॉक्सी में आ जाए 105। बहुत बार क्या होता है, मेंबर बिजी कि नॉट बिजी, तो क्या मेंबर किसी और को भेज देगा मीटिंग अटेंड करने? हाँ, मेंबर किसी और को मीटिंग अटेंड करने, उसी इंसान को क्या बोलते हैं? लेकिन कुछ नियम कानून होता है, प्रॉक्सी वोट कर सकता है क्या? इसलिए भेजे हैं, वोट करने भेजे हैं, बट ही कैनॉट स्पीक एट द मीटिंग, फिंगर ऑन द हैंड्स इन द, बिकॉज ही कैनॉट वोट बाय, प्रॉक्सी कैनॉट स्पीक एट द मीटिंग, ही कैनॉट वोट बाय शो ऑफ हैंड। कैन ही वोट बाय पोल? पोल मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मैटर्स। शो ऑफ हैंड में तो सबको इक्वल वोट मिलता है, शो ऑफ हैंड में सबको, चाहे तुम्हारे पास 10,000 शेयर हो तो भी तुम्हारे पास एक वोट रहेगा, चाहे तेरे पास 100 शेयर हो तो भी तेरे पास एक वोट रहेगा। शो ऑफ हैंड में शेयर्स मैटर कि डज नॉट मैटर, सबको इक्वल स्टेटस मिलेगा, एक वोट मिलेगा। हाउ कैन प्रॉक्सी बी गिवन इक्वल स्टेटस? ही इज नॉट द मेंबर, ही इज नॉट अलाउड टू बी गिवन द इक्वल स्टेटस, ही कैन नॉट वोट बाय शो ऑफ हैंड। हाउएवर ही कैन वोट बाय पोल, इफ द मीटिंग इज गोइंग टू पोल देन ही कैन ऑल्सो पोल। आर वी थ्रू विद दिस? But he cannot bowl, you know. He can pole, but he cannot bowl. Finger on the lips. हाथ उठाएगा तो वोट काउंट नहीं करेंगे, अभी तक तुम्हारा बीमारी गया नहीं है। ए चल चल, तुम चले जा मीटिंग के अंदर, हमको जाना है काम से, तुम मीटिंग में चला जाए, ऐसे बोलेंगे कि 48 आवर्स पहले? वैलिड प्रॉक्सी मस्ट बी अपॉइंटेड एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। एमजीटी 11, एक फॉर्म नंबर आएगा प्रॉक्सी का, एमजीटी 11, तो एमजीटी नंबर 11 मस्ट बी सबमिटेड टू एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। ऑडिटर लोग प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकेगा? नहीं, खाली मेंबर करेगा, ऑडिटर नहीं करेगा। आर वी थ्रू विद दिस? आई गारंटी कंपनी प्रॉक्सी होगा? गारंटी कंपनी में क्या प्रॉक्सी होगा? नहीं, क्योंकि गारंटी कंपनी, एक सेकेंड, गारंटी कंपनी में क्या शेयर रहता है क्या? जहां शेयर नहीं है वहां पोल हो सकेगा क्या? प्रॉक्सी कैन वोट ओनली बाई, प्रॉक्सी कैन वोट ओनली बाई पोल, मींस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ गारंटी कंपनी, इज अ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, नो शेयर, नो पोल, नो प्रॉक्सी। नोटिस में लिखा होना चाहिए कि आप नहीं आओ तो किसको भेज दो? प्रॉक्सी। अच्छा, आप लोग क्या प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट कर सकते हैं? कंपनी का मेंबर लोग को उत्सुकता रहेगा, कोतोलता रहेगा कि देखो तो सही कौन कौन प्रॉक्सी लोग आ रहा है,
कौन मेंबर नहीं आ रहा प्रॉक्सी भेज रहा है? मेंबर्स कैन इंस्पेक्ट द प्रॉक्सी फॉर्म, यस, बट सुनो, मेंबर्स कैन इंस्पेक्ट द प्रॉक्सी फॉर्म ओनली व्हेन 24 आवर्स आर लेफ्ट टू स्टार्ट द मीटिंग. यू कैन स्टार्ट इंस्पेक्टिंग द प्रॉक्सी फॉर्म ओनली व्हेन 24 आवर्स आर लेफ्ट टू स्टार्ट द मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग. ओनली व्हेन 24 आवर्स आर लेफ्ट टू स्टार्ट द मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग ओनली ड्यूरिंग विच आवर बिजनेस आवर. और तुमको उसके लिए भी मेरे को 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा. मतलब अचानक से तुम बोलेगा प्रॉक्सी फॉर्म दिखाओ तो नहीं. You should be giving the notice to the company that you wish to inspect the proxy form. Give the notice to the company of your intention to inspect the proxy form at least 3 days in advance. Then come and inspect the proxy form. पहले 3 दिन पहले notice दो, उसके बाद 3 दिन बाद फिर proxy form inspect करो. When only 24 hours left to start the meeting till the conclusion of the meeting. अभी पढ़ा रहे हैं हम कि याद ताजा करवा रहे हैं. Revision हो रहा है, revision. A president और governor proxy appoint करेगा कि representative member. President of India, Governor of State cannot appoint proxy. They just cannot appoint proxy. They don't have the power to appoint proxy. They have the power to appoint. Representative member shall have all the rights of a member, including the right to show of hand, poll, bowl. He can also appoint proxy. Yes, sir. Jaise President or Governor proxy appoint karte hai ki representative member? Section number 112 mein. 113 mein member company. Mere company ke andar ek company member ho sakta hai. वो कंपनी जिसको भेजेगा मेरे कंपनी में वोट कर, मेरे कंपनी में कंपनी मेंबर है क्या? yes, वो कंपनी किसी और को भेजेगा मेरे कंपनी में वोट करने, वो प्रॉक्सी के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर. सेक्शन नंबर 112, वोटिंग राइट्स एंड रेजोल्यूशंस, सेक्शन 106. डिड यू फाइंड सेक्शन 106? सेक्शन 106 बोलता है कि क्या वोटिंग राइट को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं शेयर होल्डर का? एक शेयर होल्डर को हम लोग वोट करने से मना कर सकते हैं 3 केस में, प्रोवाइडेड दी 3 केसेस शुड बी मेंशन इन द आर्टिकल्स. आर्टिकल्स में 3 ग्राउंड के बदौलत तुम अपना वोटिंग राइट क्या कर सकते हैं रेस्ट्रिक्ट शेयर होल्डर का. पहला वाला कॉल्स इन एरियर, एनी अदर सम ड्यू. शेयर का पैसा बाकी है तो क्या बोलोगे? कम ऑन, शेयर का पैसा बाकी है, शेयर का पैसा बाकी है तो कॉल से इन. कंपनी से गुड्स खरीदा पैसा मान लिया, सर्विस लिया पैसा मान लिया, एनी अदर सम ड्यू. फिक्स्ड एसेट खरीदा पैसा मान लिया, एनी अदर सम ड्यू. या फिर कंपनी हैज एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन, या तो कॉल से इन एरियर है या एनी अदर सम ड्यू है. लियन ऑन शेयर, नाउ व्हाट इज लियन ऑन शेयर? मेरे से लोन लिया था ये शेयर होल्डर, अपना शेयर गिरवी रख करके लोन मार लिया, हम इसका शेयर मार लिए, शेयर मार लिए, वोटिंग राइट मार लिया. अब काय का वोटिंग राइट? Shareholder took the loan from the company by pledging the shares to the company. Now he has defaulted the loan, so company has exercised the right of lien, right to retain the share. Since I have exercised the right of lien on the share, I'll disallow him to vote. Teen matter mein hum isko vote nahi karne denge. Call scenario. Teen situation mein vote nahi karne denge. Call scenario. Any other sum due? Lien on the share. Provided these 3 grounds should be mentioned in the article. Kya private company chahe to koi chautha ground mention kar sakta? Yes, sir. Haan. क्योंकि अमेंडमेंट आया है और प्राइवेट कंपनी को क्या बोला गया बताया है? प्राइवेट कंपनी को बोला गया कि आप अपना आर्टिकल्स में, प्राइवेट कंपनी को बोला गया कि आप अपना कुछ भी खुद से लिख सकते हो, ओनली रिलेटिंग टू सेक्शन 101 से 107, 109. बोलो, सेक्शन 101 से लेकर के 107, 109. प्राइवेट कंपनी अपना आर्टिकल्स में कुछ भी लिख सकता है, उसको 101 से 107 109 फॉलो करने का दरकार नहीं है. तो वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट करना वो सेक्शन नंबर कौन सा? 106. अच्छा, प्राइवेट कंपनी अपना आर्टिकल्स में ऐसा लिख सकता है, सुनना, प्राइवेट कंपनी अपना आर्टिकल्स में ये लिख सकता है क्या कि हम लोग के यहां 21 क्लियर डेज नोटिस नहीं, 3 डेज क्लियर नोटिस चाहिए. प्राइवेट कंपनी अपना आर्टिकल्स में ये लिख सकता है क्या? हाँ, हाँ, 101 से लेकर के 107, 109 में वो खुद का प्रोविजन खुद बना सकता है प्राइवेट कंपनी अपना आर्टिकल्स में. अच्छा, प्राइवेट कंपनी अपना आर्टिकल्स में ये लिख सकता है क्या कि हम लोग एजीएम, सुनना, हम लोग एजीएम 15 महीना में नहीं, नॉर्मली लास्ट एजीएम से 15 महीना था ना, हम लोग 21 महीना में करेंगे. 96 है, मतलब प्राइवेट कंपनी जो चाहे कर सकता है क्या? प्राइवेट कंपनी अपना आर्टिकल्स में मनमानी कर सकता है 101 से 107, 109.
Are we through with this? उसका सेक्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? 107. 107 में यही बोलता है कि unless the poll is demanded, 107 बोलता है unless the poll is demanded under section 109, voting will take place by show of hand under 107. Unless the poll is demanded under 109, voting will always take place by. जैसे अगर हम तुम लोगों को वोट करने बोले और कुछ नहीं बोले तो कैसे वोट होगा? Unless the poll is, what will always take place by? Unless the under section. अब 109 में बोला गया कि पोल डिमांड दो जन कर सकता है, एक तो चेयरमैन. पोल डिमांड दो जन कर सकता है, एक तो चेयरमैन और दूसरा बोले तो थे 1/10 मेंबर्स हैविंग 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल सब्जेक्ट टू मिनिमम पेड अप वैल्यू ऑफ 5 लाख. पोल कैन बी डिमांडेड आइदर बाय द चेयरमैन और बाय द मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्रोवाइडेड द मिनिमम पेड अप वैल्यू इज रुपीज 5 लाख. कैन पोल बी डिमांडेड आफ्टर रिजल्ट बीइंग डिक्लेयर्ड ऑफ शो ऑफ हैंड? शो ऑफ हैंड से रिजल्ट आ गया, शो ऑफ हैंड का रिजल्ट आने के बाद भी तुम पोल डिमांड कर सकता है. पोल पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है. और बड़ा चीज पोल है कि शो ऑफ हैंड? पोल के बाद शो ऑफ हैंड? पोल का फैसला फाइनल रहेगा, लेकिन शो ऑफ हैंड का फैसला फाइनल नहीं है. उसके बाद अभी भी पोल हो सकता है. पोल के बाद शो ऑफ हैंड नहीं होता, बट शो ऑफ हैंड के बाद पोल हो सकता है इफ डिमांडेड बाय चेयरमैन और मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्रोवाइडेड द मिनिमम पेड अप वैल्यू इज 5 लाख. सेक्शन 108 बोलता है वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस. अब रुक जाइए, सेक्शन 108 का हम पूरा पोस्टमार्टम करवाए थे ना आप लोग को. माय गॉड, ओफ, सेक्शन 108 पूरा लिखवाए थे. देयर टू टाइप्स ऑफ वोटिंग, फिजिकल वोटिंग, रिमोट ई वोटिंग. फिजिकली वोटिंग होता है और क्या होता है? रिमोट ई वोटिंग. पूरा प्रोसीजर लिखवाए थे ना आप लोग को, 66 पॉइंट लिखवाया गया था. जिसका नहीं लिखा हुआ 66 पॉइंट वो आज ही कॉपी कर लीजिएगा. 66 पॉइंट अभी नहीं, अभी नहीं. तो ये सेक्शन 108 जो है, ई वोटिंग कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ई वोटिंग का प्रोसेस, वो कॉपी कर लीजिएगा. और जो अभी कॉपी करते हुए पाया गया एरर दिखा दिया जाएगा. अरे लिखा हुआ होगा रे, जिसका नहीं लिखा हुआ है लिख लीजिएगा. स्टाफ को बोलिएगा, कोई सारा नहीं है तो हम लोग के स्टाफ लोग हैं, उसको बोलिएगा कि खाली ई वोटिंग दिखा दीजिए ना 15 मिनट. क्या बोलेंगे? ई वोटिंग 15 मिनट, वो दिखा दीजिएगा. फिर आइए 110 पोस्टल बैलेट. सेक्शन 110 है डी डिफाइंड पोस्टल बैलेट. घर घर मोदी नहीं वोटिंग, घर घर वोटिंग, हर घर वोटिंग, घर बैठे, इसी को बोलते हैं पोस्टल बैलेट. अब पोस्टल बैलेट जो है, सारा कंपनी लोग पोस्टल बैलेट के थ्रू घर बैठे वोटिंग करवा सकता है, एक्सेप्ट 3 मैटर, ऑर्डिनरी बिजनेस. ऑर्डिनरी बिजनेस के ऊपर पोस्टल बैलेट होने वाला, यानी तुमको अड्डा तो एजीएम में लगाना ही पड़ेगा. मैटर्स इज रिक्वायर्ड ऑडिटर्स रिप्रेजेंटेशन, मैटर्स इज रिक्वायर्ड डायरेक्टर्स. जिस मैटर के ऊपर ऑडिटर को कुछ बोलना है, जिस मैटर के ऊपर डायरेक्टर को कुछ बोलना है, वो आप पोस्टल बैलेट से डिस्कस, तीन मैटर आप पोस्टल बैलेट से डिस्कस नहीं कर सकते. ऑर्डिनरी बिजनेस, जहां ऑडिटर को कुछ बोलना है, जहां डायरेक्टर को कुछ बोलना है. एग्जाम्पल डिस्कशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डिस्कशन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट. सेक्शन 111 इज ऑलरेडी कवर्ड इन कहां पर? ईजीएम. सेक्शन 115, सेक्शन 115 दिखाई दे रहा है क्या? रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस डिफाइन किया. yes, हम उसके टॉप ऑफ द पेज पर लिखवा दिए थे कि देर आर टू मैटर्स, एक तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर. ऑडिटर रिमूव होता है अंडर सेक्शन नंबर 140 और डायरेक्टर रिमूव होता है. देर टू मैटर्स, रिमूवल ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 140, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 169, फॉर विच स्पेशल नोटिस कैन बी गिवन बाय द मेंबर्स आइदर होल्डिंग 1% ऑफ द वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर्स ऑफ पेड अप वैल्यू मिनिमम कितना रुपया बताइए? तो 5 लाख. ऑन रिसेप्ट ऑफ द स्पेशल नोटिस कंपनी विल हैव टू डिस्कस दिस टू मैटर्स बाय कॉलिंग द मीटिंग. सुन लीजिए सेक्शन 115, एक बार सुन लीजिए ना सेक्शन 115. सेक्शन 115 में भी अमेंडमेंट है, कंसंट्रेट करके सुन लीजिए.
नॉर्मली तुम मीटिंग बुलाने के लिए तुम्हारे पास कितना होना चाहिए, नॉर्मली मीटिंग बुलाने के लिए, ईजीएम रिक्वेस्ट करने के लिए 110 तो बहुत ज्यादा होता है, 10% होता है, माय गॉड। सेक्शन 115 में बोला गया देयर आर टू रेजोल्यूशंस विच रिक्वायर स्पेशल नोटिस, कंपनी विल हैव टू डिस्कस दिस टू रेजोल्यूशंस इफ मेंबर्स हैव गिवन स्पेशल नोटिस फॉर रिमूविंग द ऑडिटर under section 140 or for removing the director under section 169, another for removing the auditor or for removing the removal of auditor is under section 140, removal of director in section, tumko agar auditor ya director ko hatane ke upar charcha karna hai, tumhare paas 1/10 of the paid up share capital hone ka darkar nahi hai, agar member log ke paas 1% bhi voting power hai na, any member or members having ya to 1% voting power hai तो भी तुम स्पेशल नोटिस सर्व कर सकता है कंपनी को कि चलो मीटिंग बुलाओ और ये मुद्दों के ऊपर चर्चा करो। अगर तेरे पास 1% वोटिंग पावर है तो भी तुम कंपनी को मीटिंग बुलाने के लिए फोर्स कर सकता है, सारा मैटर के लिए कि केवल यो दो मैटर के लिए। और अगर 1% नहीं है ना वोटिंग पावर का, कम से कम 5 लाख रुपया का पेड अप शेयर है, दोनों नहीं चाहिए। इतना देर से हम लोग बोल रहे थे 1/10, 5 लाख, दोनों होना चाहिए। अभी हम बोल रहे हैं या तो 1% है तुम्हारे पास वोटिंग पावर का, 1% नहीं है वोटिंग पावर का, 5 लाख रुपया का भी अगर तुम्हारे पास पेड अप शेयर्स है ना, आइदर द मेंबर्स आर होल्डिंग 1% ऑफ द वोटिंग पावर और दे आर होल्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल वर्थ कितना रुपया, 5 लाख, या तो 1% वोटिंग पावर या 5 लाख रुपया का पेड अप शेयर कैपिटल, दे कैन आस्क द कंपनी टू कॉल द मीटिंग फॉर डिस्कसिंग ऑफ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर और ऑडिटर। क्या तुम लोग ऑडिटर या डायरेक्टर दोनों में से किसी एक जन को हटाना चाहते हो? तो तुम्हारे पास अगर 1% भी वोटिंग पावर है या फिर 5 लाख रुपया का भी पेड अप शेयर्स है तो तुम कंपनी को मीटिंग बुलाने के लिए फोर्स कर सकते हो। हम ये नहीं बोल रहे कि तुम हटा दोगे, बट कम से कम तुम मीटिंग बुलवा करके चर्चा कर लोगे। और फिर हटाया कैसे जाएगा भैया, फालतू बात मत करो। उसके लिए तो 140 और 169 का प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा, फॉलो। बट एटलीस्ट यू कैन ask the company to discuss about these two matters, even if you are holding 1% of the voting power or 5 lakh share, दोनों की दोनों में से कोई भी एक। पहले कंपनी से क्या बेवकूफी किया था, गलती से लिख दिया था 5 लाख रुपया जो पेड अप शेयर था ना वो मैक्सिमम लिख दिया था। आप बुद्धि में नहीं जा रहे तेरे, अगर वहां मैक्सिमम लिखा हो तो होली हो जाता था। 1 रुपए का भी शेयर है तो बोलता था 5 लाख तो मैक्सिमम है, उसको ठीक किया, फिर क्या लिखा, मिनिमम। 1% और 5 लाख मैक्सिमम है कि मिनिमम? कम से कम 1% वोटिंग पावर होना चाहिए या फिर कम से कम 5 लाख रुपए का पेड अप शेयर, तब कंपनी को तुम फोर्स कर सकता है कि चल मीटिंग बुला और ये सब मैटर डिस्कस कर। मिनट्स, आपको नहीं लगता जो भी हम लोग मीटिंग में चर्चा कर रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं उसको एक जगह लिख लेना चाहिए? मीटिंग में जो चर्चा हुआ है और जो डिस्कशन हुआ उसको जहां रिकॉर्ड करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मिनट्स। अगर जनरल मीटिंग का मिनट्स है, जनरल मीटिंग का, इट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड साइन बोथ विद इन 30 डेज ऑफ द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का मिनट्स है, प्रिपेयर्ड एंड साइन बोथ विद इन 30 डेज ऑफ द जनरल मीटिंग। हु विल साइन द मिनट्स? चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑफ विच द मिनट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग हुज मिनट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड। और अगर चेयरमैन इनकेपेबल है साइन करने को, बाय द डायरेक्टर ऑथोराइज बाय द बोर्ड, आइदर द मिनट्स विल बी साइन बाय द चेयरमैन of that general meeting of which the minutes are being prepared, whether in case of incapacity of the chairman, death or lunacy of the chairman, by the director duly authorized by the board. But ye sab ho jana chahiye within how many days? 30 days of the meeting. Acha, board meeting mein pata kya hota hai, ya to us meeting ka chairman sign kar deta hai, aur agar wo salat gaya hai na to next board meeting ka chairman sign karta hai. General meeting mein kya hota hai, ya to wo wala chairman ya fir director authorized by the board. But board meeting mein ya to wo wala chairman ya aane wala board meeting ka chairman. Are we through with this? अब आने वाला बोर्ड मीटिंग जरूरी है क्या 30 डेज में होगा? इसलिए बोर्ड मीटिंग का प्रिपेयर, बोर्ड मीटिंग का मिनट्स प्रिपेयर तो होता है 30 डेज में, साइन का टाइम लिमिट नहीं है। जनरल मीटिंग का मिनट्स प्रिपेयर भी होगा, साइन भी होगा विद इन 30 डेज बाय द चेयरमैन ऑफ दैट जनरल मीटिंग ऑफ विच द मिनट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड और इन केस ऑफ डेथ और इन कैपेसिटी ऑफ द जनरल मीटिंग्स चेयरमैन बाय द डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। However, in case of board meeting by the chairman of that board meeting, or in case of incapability of the chairman of that board meeting by the chairman of the next board meeting, now it is not sure that the chairman of the next board meeting is going to sign within 30 days because it is not sure that the board meeting is going to take place within the next 30 days. So, signing ke liye koi time limit nahi hai board meeting ka. Buddhi mein ja raha hai. Minutes kahan rakhenge?
हाँ हाँ रख लीजिए, रजिस्टर उसमें रख लीजिए। कहीं और रख सकते हैं क्या मुंडू? कहां रखोगे? रजिस्टर ऑफिस। और बिजनेस आवर्स में अलाउ करिएगा क्या इंस्पेक्शन? आइए मेहरबान कदरदान, देखिए मिनट्स को देख, मिनट्स ड्यूरिंग विच आवर। लेकिन हम अपना आर्टिकल्स में रेगुलेशन बना सकते हैं कि वो कौन सा बिजनेस आवर्स 9 से 6 बजे तक एकदम आप आ जाएंगे। आर्टिकल्स में बोल सकते हैं 4 घंटा 9 से 1, 2 घंटा कम से कम हमको दिखाना पड़ेगा। कंपनी तक बोलता है कि आर्टिकल्स में आप अपना रेगुलेशन बनाइए, बट ऐसा रेगुलेशन मत बनाइएगा कि खाली 10 मिनट दिखाएंगे, कम से कम 2 घंटा दिखाना पड़ेगा, और वो 2 घंटा होगा ड्यूरिंग। मेंबर बोलता है हमको मिनट्स का कॉपी चाहिए, क्या उसको मिनट्स का कॉपी देना होगा? सारा काम धाम छोड़ करके हम लोग जीरोक्स करवा करके लाएंगे अभी कि 7 दिन? मिनट्स का कॉपी तुरंत देंगे कि 7 दिन? अच्छा मिनट्स आपको देखना है, आप फ्री में देखिए, कॉपी चाहिए तो पैसा लेंगे क्या? और तुरंत देंगे कि 7 दिन में देंगे? अरे थ्रो विद दिस, मिनट्स को टेम्पर करते हो, ए मिनट्स को टेम्पर करते हो, चेंज करते हो, 2 साल तक का जेल है। जो इंसान मिनट्स को टेम्परिंग करेगा, टेम्परिंग मतलब समझ में आ रहा है? मीटिंग में हुआ कुछ और था ना, ना लिखा चेयरमैन तो बेचारा ऑनेस्ट रहता है, चेयरमैन सही लिखा, उसके बाद व्हाइटनर से मिटा करके या हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुला करके आपने मिनट्स को साथ छेड़छाड़ी किया है, टेम्पर किया है, कितना साल तक का जेल चेयरमैन को कि जो टेम्पर किया है उसको कितना साल अंदर कर देंगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज अलाउड, मिनट्स अलाउड, बट डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर क्या बोलता है, मिनट्स को लूज फॉर्म में रखना चाहिए कि बाउंड बुक? और अगर लूज शीट में है तो बाइंडिंग करवा लेना। सेक्शन 121 में आओ, एप्लीकेबल ओनली ऑन विच कंपनी? बहुत ही बकवास चीज है सेक्शन 121, बोलता है लिस्टेड कंपनी अगर अपना एजीएम कर लिया है ना, लिस्टेड कंपनी अगर अपना क्या कर लिया है, लिस्टेड कंपनी अगर अपना एजीएम कर लिया है, यह बात आरओसी को बताएगा विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम कि हमने एजीएम सही ढंग से किया है, एक्ट को फॉलो करके हमने एजीएम सही ढंग से किया, पूरा एक्ट को फॉलो करके रिपोर्ट बनाओ, इसको बोलते हैं रिपोर्ट ऑन एजीएम, रिपोर्ट ऑन दैट वी हैव कंडक्टेड एजीएम प्रॉपरली बाय कंप्लाइंग द प्रोविजंस। ऑल कंपनी की लिस्टेड कंपनी किसको रिपोर्ट सबमिट करेंगे? एक्सलेंट, होल्डिंग एंड सब्सिडरी में आइए, सेक्शन 19 है। बॉयज एंड गर्ल्स, क्या एक सब्सिडरी कंपनी अपना होल्डिंग कंपनी का शेयर खरीद सकता है? मेरा क्वेश्चन सुनो, क्या एक सब्सिडरी कंपनी अपना होल्डिंग का शेयर खरीद सकता है? सेक्शन 19 में मना कर दिया गया कि सुनो सब्सिडरी अपना होल्डिंग का शेयर, क्योंकि रिस्क है, सब्सिडरी को भी अगर खरीदने दे दिए तो यह भी इसका पाप बन जाएगा, सब्सिडरी भी 50% से ज्यादा खरीद लेगा, फिर ये बोलेगा हम होल्डिंग है तो फिर सब्सिडरी कौन रहा? तो सब्सिडरी इज अलाउड कि डिसअलाउड टू बाय द शेयर्स ऑफ इट्स। लेकिन अगर इस सब्सिडरी के पास पुराना शेयर पड़ा हुआ है, जब ये रिश्ता बना था कि नहीं बना था, उसके पहले से अगर सब्सिडरी के पास कुछ शेयर है होल्डिंग का, पुराना शेयर रख सकता है क्या? बट वोटिंग राइट मिलने वाला नहीं है। अच्छा, सब्सिडरी कंपनी कैन होल्ड द शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी एज अ ट्रस्टी और एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ डिसीज्ड शेयर होल्डर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। 3 एक्सेप्शन है। नॉर्मली सब्सिडरी को मना कर दिया गया कि ये तुम अपना होल्डिंग का शेयर नहीं खरीदेगा, बट 3 एक्सेप्शन है। पुराना शेयर रख के रख सकता है, वोटिंग राइट की नो वोटिंग राइट? सब्सिडरी कैन एक्ट एज अ ट्रस्टी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वोटिंग राइट रहेगा? अभी बच्चा बोलेगा इतना सारा शेयर सब्सिडरी के पास है, मान लो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ट्रस्टी के कैपेसिटी में कि 50% से ज्यादा हो गया, तो वो होल्डिंग और सब्सिडरी में काउंट होने वाला? इफ सब्सिडरी इज होल्डिंग द शेयर्स एज अ ट्रस्टी और एज अ, दो शेयर्स आर नॉट काउंटेड व्हाइल डिटरमाइनिंग होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। नहीं समझा रहे बाबा? अगर हम तेरे अंदर 10,000 शेयर होल्ड कर रहे हैं ना एज अ ट्रस्टी, होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता निकालते समय 10,000 शेयर को हटा करके देखा जाएगा। बुद्धि में नहीं जा रहा है? व्हेन समबडी इज होल्डिंग द शेयर एज अ ट्रस्टी और एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो शेयर हटा करके होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता देखा जाता है। आर वी थ्रू विद दिस? तो हाउ मेनी एक्सेप्शंस आर देयर? पुराना शेयर रख के रख सकता है क्या? एंड सब्सिडरी कैन एक्ट एज अ ट्रस्टी और एज अ लीगल, वोटिंग राइट की नो वोटिंग राइट है? व्हेन ही इज एक्टिंग एज, व्हेन सब्सिडरी इज एक्टिंग एज अ ट्रस्टी और लीगल, वोटिंग राइट है। सेक्शन नंबर कौन सा? एनसीएलटी अभी तक बना नहीं है तो ये चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, बट सीएस का बच्चा कुछ मत स्किप करना, नहीं तो स्किप ही हो गए।
सीए वाला बच्चा स्किप कर दो, एनसीएलटी वाला चैप्टर, सीएस वाला बच्चा स्किप मत करना। नेक्स्ट चैप्टर में प्रोस्पेक्टस, एक गलत फहमी रहता है आप लोग को, लिस्टेड कंपनी सेबी को फॉलो करेगा कि कंपनीज एक्ट। अब ये गलत फहमी नहीं है आप लोग को, क्योंकि आप लोग पढ़ लिख रखे हैं। अनलिस्टेड कंपनी, पहले बात करते हैं अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी तो सेबी को जानता ही नहीं है, सेबी जो बकबक करेगा वो अनलिस्टेड कंपनी सुनने वाला नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी प्योरली कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगा, सीजी का बनाया हुआ चार्ट बनवाए होंगे आप लोग से। अनलिस्टेड कंपनी प्योरली सीजी का कंपनी एक्ट को फॉलो करेगा। अच्छा, लिस्टेड कंपनी या फिर ऐसा कंपनी विच इज अप्लाइड फॉर लिस्टिंग, आइदर इट्स अ लिस्टेड कंपनी और द कंपनी विच इज अप्लाइड फॉर लिस्टिंग इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वो सभी को फॉलो करेगा केवल दो मैटर में। वो सभी को फॉलो करेगा दो मैटर में, इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी नॉन पेमेंट ऑफ, फॉर अदर मैटर्स इट विल बी फॉलोइंग सीजी कंपनीज एक्ट 2013। एब्रिज प्रोस्पेक्टस में आइए, आइए मत आइए। शेल प्रोस्पेक्टस, इसको इशू कर डाला तो अगला एक साल तक, अगर शेल प्रोस्पेक्टस इशू कर देंगे अगला एक साल तक मेरे को प्रोस्पेक्टस लाने का दरकार आई डो नॉट हैव टू इशू प्रोस्पेक्टस फॉर द नेक्स्ट वन ईयर। किसको अगर इशू कर दिया बताओ तो, आफ्टर अप्रूवल ऑफ किससे बताओ तो, सेबी से। शेल प्रोस्पेक्टस इज इशूड आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी, और अगला एक साल तक मेरे को बार बार प्रोस्पेक्टस लाने का दरकार नहीं। अच्छा, किंतु शेल प्रोस्पेक्टस में यह जरूर बोला गया बिटवीन द प्रीवियस पब्लिक इशू एंड द करेंट पब्लिक इशू, प्रीवियस पब्लिक इशू एंड द, जो चेंजेस हुआ है कंपनी में, जो मटेरियल, वट एवर मटेरियल चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द कंपनी, पास पास टू पी ए एस प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखोगे प्रोस्पेक्टस पास टू जो है वो आपको किसको सबमिट करना पड़ेगा, आरओसी। इस पास टू को शीट ऑफ पेपर बोलते हैं और इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या बोलते हैं इसको बताइए तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मस्ट बी सबमिटेड टू, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मस्ट बी सबमिटेड टू। इसमें क्या रहेगा, जो चार्जेस क्रिएट, दो चीज, चार्जेस एंड चेंजेस, बोलो जो नया चार्ज क्रिएट हुआ और जो चेंजेस है बिटवीन द प्रीवियस इशू एंड द प्रपोज इशू। आपको एक साल तक प्रोस्पेक्टस इशू करने का दरकार, बट कम से कम जो पुराना इशू और करेंट जो प्रपोज इशू है उसमें जो चेंजेस हुआ है कंपनी में, जो चार्जेस क्रिएट हुआ, चेंजेस हुआ, कम से कम वो तो आरओसी को बता दीजिए एक पन्ना में, उस पन्ना का नाम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। और कितना महीना पहले बताएंगे, वन मंथ बिफोर द पब्लिक इशू, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अच्छा, ऊपर वाला सेक्शन 31 का इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अलग है और 32 का इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, माय गॉड, 32 का इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का नाम क्या है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कंप्लीट कि इनकम्प्लीट। ये एक इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस है, कितना शेयर इशू करना है लिखा हुआ नहीं है, प्राइस लिखा हुआ, तो फिर आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू क्यों कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि मैं आ रहा हूं, मेरा इंतजार, दूसरा पब्लिक इशू में मत लगाना क्योंकि हम लोग भी पब्लिक इशू लाने वाले। जैसे पिक्चर डायरेक्टली रिलीज हो जाता है क्या, पिक्चर सीधा आ जाता है क्या, तब तो फ्लॉप हो जाएगा। पहले क्या आता है, ट्रेलर, फिर आता ना पिक्चर, वैसे ही पहले प्रोस्पेक्टस के पहले क्या आएगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। बुद्धि में नहीं जा रहा है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कितना शेयर इशू करेंगे, आई डोंट नो, सोचा नहीं अभी तक, इशू करेंगे सोचें कितना इशू करेंगे पता नहीं, किस दाम पर इशू करेंगे पता नहीं, बुद्धि में जा रहा है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हम तभी तक इशू कर सकते हैं जब तक प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हो, प्रोस्पेक्टस के बाद भी रेड हेरिंग इशू करेंगे क्या, इट कैन बी इशूड ओनली प्रायर टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। और 3 दिन पहले हम लोग को ये जमा करना पड़ेगा कहां पर बताओ तो, आरओसी। अच्छा, बाद में पता चला रेड हेरिंग में कुछ और लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस में कुछ और लिखा हुआ है, वेरिएशन की नो वेरिएशन, वेरिएशन इन रेड हेरिंग एंड प्रोस्पेक्टस, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं माने जाएंगे कि फ्रॉड कर रहे हैं आप, वेरिएशन तो हो ही सकता है। अगर प्रोस्पेक्टस में तुमने हाईलाइट कर दिया वेरिएशन, हाईलाइट छुपा करके नहीं, इफ यू हैव हाईलाइटेड द वेरिएशन इन द रेड हेरिंग एंड द प्रोस्पेक्ट, बिटवीन द रेड हेरिंग एंड द प्रोस्पेक्टस इन द प्रोस्पेक्टस, the differences between red herring and the prospectus should be highlighted in the prospectus.
नहीं तो फ्रॉड माना जाएगा और 447 ठोक देंगे, फ्रॉड का सेक्शन। क्रिमिनल लाइबिलिटी होता है और क्या होता है बताइए तो? सुनिए, कब बच जाएंगे आप क्रिमिनल लाइबिलिटी से? क्रिमिनल लाइबिलिटी से आप कब बच जाएंगे? अगर आप प्रूफ कर दें कि जो आपने ओमिशन किया, जो आपने क्या किया, वो मटेरियल था कि इमटेरियल, फर्स्ट फ्लोर की जगह सेकंड फ्लोर लिख दिया एड्रेस, तो क्या जान ले लोगे क्या? तुम क्या ये सोच करके इन्वेस्ट किया था फर्स्ट फ्लोर में रहता है इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? बोलिए। तो तल्ला गलत लिख दिए, डायरेक्टर का एड्रेस गलत लिख दिया, तो क्या उन लोग को जेल में उठा उठा करके डाल दोगे कि एक्सेप्शन में आ जाएगा? क्या ये मिसस्टेटमेंट है? हाँ, मिसस्टेटमेंट तो है, बट मटेरियल के इमटेरियल। लैंड बिल्डिंग का वैल्यू 1 करोड़ था, लिख दिया 100 करोड़। क्या मिसस्टेटमेंट मटेरियल है बहुत? हाँ। या फिर एक्सपर्ट को नहीं ठोकेंगे, इफ ही हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, ही हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि जो भी वो लिख रहा है सच लिख रहा है, एंड ही बिलीव टिल द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। एक्सपर्ट से हो, एक्सपर्ट को एक्चुअल में कहना डायरेक्टर लोग सब झूठा झूठा इंफॉर्मेशन दिया, तो इसमें एक्सपर्ट का कोई गलती नहीं है, बिकॉज ही बिलीव्ड एंड ही डिड बिलीव टिल द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस की व्हाटएवर इज राइटिंग इन द प्रोस्पेक्टस इज करेक्ट। तो प्रूव इट कि तुमने जो लिखा है सच समझ करके लिखा है, प्रूव इट। कौन बताया तुमको ये सब इंफॉर्मेशन? डायरेक्टर का साइन क्या हुआ स्टेटमेंट सिखाओ। अरे हाँ है तो डायरेक्टर का साइन क्या हुआ नकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सिविल लायबिलिटी कब एक्सेप्शंस माना जाएगा? अच्छा, सिविल लायबिलिटी मतलब भले ही तुम्हारा फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं था, टॉर्ट्स। सिविल लायबिलिटी मतलब क्या होता है? टॉर्ट्स। सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग मतलब टॉर्ट्स। आपका कोई गलत इंटेंशन था फिर भी मिसस्टेटमेंट हुआ ना, लॉस हुआ ना बाहर वाला लोग को। हो सकता है तुम्हारा कोई गलत इंटेंशन नहीं रहा हो, गलत इंटेंशन रहेगा तब तो क्या है, क्रिमिनल लायबिलिटी अट्रैक्ट होगा। इंटेंट टू डिफ्रॉड है तब तो क्रिमिनल लायबिलिटी अट्रैक्ट होगा। इंटेंट टू डिफ्रॉड नहीं था किसी को, यू डिडंट हैड मेंस रिया, गिल्टी माइंड नहीं था, फिर भी पब्लिक को अगर लॉस हुआ है तो तुमको क्या चुकाना पड़ेगा उन लोग का लॉस? हाँ, पब्लिक को लॉस हुआ तो तुमको चुकाना पड़ेगा। ये क्रिमिनल लायबिलिटी की सिविल लायबिलिटी, लेकिन एक्सेप्शन है जब आप खाली अपना कंसेंट दिए थे डायरेक्टर बनने का लेकिन विड्रॉ कर लिए थे। यू हैव कंसेंटेड टू बिकम द डायरेक्टर बट लेटर ऑन विड्रॉन द कंसेंट। पॉइंट नंबर बी, डायरेक्टर कोमा में था जब प्रोस्पेक्टस इश्यू हुआ। यू अंडरस्टैंड कोमा? कोमा में था, बीमारी था जब प्रोस्पेक्टस इश्यू हुआ, और जब वो कोमा से जागा, जब उसको पता चला कि सब गलत सलत लिखा हुआ है और डायरेक्टर लायबल रहेगा ना रे बाबा, वो तुरंत पब्लिक नोटिस जारी कर दिया कि हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं, आज पता चला है, आज हम बता दे रहे हैं कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। तो अगर आप डायरेक्टर को बताया ही नहीं थे और वो प्रूफ कर दे कि उसको पता नहीं था, और जिस दिन उसको पता चला वो पब्लिक नोटिस कि उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है, देन इज नॉट लायबल। सेक्शन 447 में मिनिमम कितना महीना का जेल होता है? 6 महीना। पब्लिक इंटरेस्ट है तो मिनिमम 3 साल, नॉर्मली मिनिमम पब्लिक इंटरेस्ट है तो, और मैक्सिमम हमेशा। और पेनल्टी कितना होगा पता है ना? मिनिमम जितना फ्रॉड हुआ उतना, या फिर मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ द फ्रॉड इन्वॉल्व। डीम प्रोस्पेक्टस, डीम प्रोस्पेक्टस इज अ कंसेप्ट ऑफ प्लेसिंग शेयर्स। डीम प्रोस्पेक्टस अराइजेस इन केस ऑफ व्हाट? बहुत सारा फॉर्मेलिटी रहता है क्या कि बहुत कम फॉर्मेलिटी रहता है? आई वॉन्ट एन आंसर। कंपनी खोलने के बाद जब हम लोग शेयर वगैरह इश्यू करते हैं, इशू ऑफ शेयर में बहुत कम फॉर्मेलिटी की बहुत सारा फॉर्मेलिटी? अरे बहुत सारा फॉर्मेलिटी है इशू ऑफ शेयर्स में। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट होना चाहिए 5% ऑफ फेस वैल्यू, लिस्टेड ऑफ 25% ऑफ द इशू प्राइस। आप लोगों को पता ही नहीं है ये सब? शेयर इशू करना मजाक नहीं है। शेयर इशू करते समय बहुत सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि एप्लीकेशन मनी कम से कम 5% ऑफ फेस वैल्यू आया है ना, और अगर लिस्टेड है तो 25% ऑफ इशू प्राइस। कम से कम कितना परसेंट शेयर बिक जाना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन गलत, जितना मेरा प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होगा उतना शेयर बिक जाना चाहिए, और अगर नहीं लिखा हुआ प्रोस्पेक्टस में तब 90% शेयर बिक जाना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज दैट व्हिच इज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस, बट इफ द प्रोस्पेक्टस इज साइलेंट एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर शुड बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक।
एप्लीकेशन बनी जो आएगा, हम अपना बैंक में रखेंगे कि सेपरेट बैंक में रखेंगे? सेम बैंक अकाउंट में भी नहीं रख सकते? सेम बैंक अकाउंट छोड़ो, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। बुद्धि में जा रहा है? वी कैनॉट यूज इट फॉर आवर मोटिव, आवर बिजनेस, इट शुड बी केप्ट इन द सेपरेट बैंक। जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता, एप्लीकेशन नहीं, शुड बी केप्ट इन द सेपरेट बैंक। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज आर देयर। और अगर डेविएट कर गए फॉर्मेलिटी थी तो कोई 447 ठोक देगा, कोई सेक्शन ठोक देगा, पता चला वी आर लैंडिंग अप इन द जेल। सो इट्स बेटर टू हायर एन एक्सपर्ट एजेंसी टू कंप्लाई द फॉर्मेलिटीज एंड इशू द शेयर। इट्स बेटर टू हायर एन एक्सपर्ट एजेंसी। एक एक्सपर्ट फर्म को हायर कर लो, एक एक्सपर्ट कंपनी को हायर कर लो, जिसका धंधा ही है शेयर इशू करवाना दूसरों के भी यहां पर। उसका नाम रहता है इशूइंग हाउस। क्या नाम रहता है बताओ? तो इफ अ कंपनी डज नॉट वॉन्ट टू फॉलो द लीगल फॉर्मेलिटी वाइल इशूइंग द शेयर, इट कैन हायर अ फर्म और अ कंपनी नोन एज इशूइंग हाउस। इशूइंग हाउस इज जस्ट लाइक एजेंट, क्या, हु विल इशू द शेयर टू पब्लिक ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बाई फॉलोइंग ऑल द फॉर्मेलिटीज। प्रोस्पेक्टस भी इशू कौन करेगा? इशूइंग हाउस। हमारा कोई हेडेक नहीं रहेगा, हम सारा शेयर किसको हैंड ओवर कर देंगे? इशूइंग हाउस। पब्लिक को कौन इशू करेगा? इशूइंग हाउस। प्रोस्पेक्टस भी इशू करेगा क्या? ऐसा प्रोस्पेक्टस को बोलते हैं डीम प्रोस्पेक्टस, और इशूइंग हाउस ही साइन करेगा उस डीम प्रोस्पेक्टस को। इशूइंग हाउस अगर फर्म है तो कम से कम 50% पार्टनर साइन करे। इशूइंग हाउस अगर फर्म है तो कम से कम 50% पार्टनर साइन करेगा, और अगर इशूइंग हाउस कंपनी है तो कम से कम 2 डायरेक्टर। इशूइंग हाउस अगर फर्म है तो एटलीस्ट 50% पार्टनरशिप साइन, और इफ इट इज अ कंपनी देन एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। आर वी थ्रू विद दिस? पेज नंबर 72। अच्छा, डीम प्रोस्पेक्टस में कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या डायरेक्टर्स आर लायबल? कंपनी का डायरेक्टर्स विल बी लायबल डीम प्रोस्पेक्टस में कुछ गड़बड़ है? हाँ, क्योंकि उन लोग क्या है, एजेंट। प्रिंसिपल तो हमेशा लायबल रहेगा ही फॉर एजेंट्स एक्शन। तो फायदा क्या हुआ? फायदा क्यों ढूंढते हो? फायदा यही हुआ कि हेडेक नहीं रहा, बट लायबल तो हम लोग रहेंगे ही। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर मींस एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन। When we accept the application of the shareholder, this is known as what? Allotment. Allotment का form number बताओ तो? Pass 3. Return of allotment हम लोग, ए सुनना, जब हम लोग शेयर का allotment कर देंगे, आपको return of allotment file करना पड़ेगा किसके पास? ROC. Form number बताओ. Pass 3 within 30 days of allotment. किसको शेयर allot किए हो, कितना शेयर अलॉट किए हो, किसका रुपया रिफंड किए हो, किसको शेयर अलॉट किया, किसका रुपया रिफंड किया, नेम्स एंड डिटेल्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, ये आपको पास नंबर 3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट यानी डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट। बस वी समझे टू किसको? याद रखिएगा, अगर इनमें से एक भी कंडीशन ब्रीच हो गया तो आपका अलॉटमेंट रेगुलर माना जाएगा कि इरेगुलर। Irregular allotment means which has failed to satisfy any of the condition. एक भी condition breach हो गया तो क्या माना जाएगा? Irregular allotment. फिर आ जाइए buyback में. Up to 10% बताइए. अच्छा, buyback के लिए क्या articles must authorize? Yes, sir. अच्छा, buyback में there are some pre-buyback formality and there are some pre-buyback formality में articles must authorize? Yes, sir. Otherwise, हमें article bypassing ऐसा नहीं है. अच्छा, आप टू 10% है तो क्या पास करोगे? 10% से ज्यादा है तो एक बार बायबैक कर डाला तो अगला एक साल तक बायबैक करने हैं। ये नया नियम है कि एक बार बायबैक कर दिया, आप लोग सबका पढ़ा हुआ है कि एक बार बायबैक कर दिया तो अगला एक साल तक बायबैक करने हैं। बुद्धि में जा रहा है? अच्छा, साल में मैक्सिमम कितना परसेंट बायबैक कर सकते हैं? हाँ, साल भर में मैक्सिमम बायबैक 25% ऑफ द पेड अप शेयर्स ही हम लोग मैक्सिमम क्या कर सकते हैं बायबैक। अच्छा, मैक्सिमम बायबैक अमाउंट कितना रहेगा? 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एंड पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो कैन नॉट एक्सीड 2:1। अमाउंट कितना यूज कर सकते हो? 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1। अच्छा, लिस्टेड कंपनी कितना बायबैक कर सकता है? लिस्टेड कंपनी के लिए 25% नहीं है, 15%। ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी बायबैक करेगा तो कहां से करेगा? सभी से कर लेगा, मार्केट से करेगा ना, तो ओपन मार्केट के लिए कितना परसेंट है? 15%। Are you through with this? Come to post buyback formality. Post buyback? अच्छा सुनना, अच्छा pre buyback formality में हम लोग solvent है कि insolvent है?
हाँ, तो आपको अपना सॉल्वेंसी डिक्लेयर करना पड़ेगा प्री बायबैक फॉर्मेलिटी में. डिक्लेयर योर सॉल्वेंसी इन फॉर्म नंबर SH9. तो डिक्लेयर द सॉल्वेंसी इन फॉर्म नंबर 2ROC. हम लोग सॉल्वेंट है, ये बात SH9 में लिख करके ROC को जमा कर दो. अब पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटी में आइए. पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटी में एक रेशियो ऑफ बायबैक बनाना पड़ेगा क्या? SH नंबर कौन सा? आप जो रेशियो ऑफ बायबैक बनाएंगे SH10, सेम चीज रिटर्न ऑफ बायबैक SH नंबर 11. SH10 में क्या बनाया? रजिस्टर. SH11 में रिटर्न ऑफ बायबैक शुड बी समिटेड टू ROC. कंप्लायंस सर्टिफिकेट SH नंबर 15. आर यू थ्रू विद दिस कि हमने बायबैक रूल्स को फॉलो किया? और एक बार सुन लो, सॉल्वेंसी डिक्लेयर करोगे SH नंबर? डिक्लेयर योर सॉल्वेंसी SH9. रजिस्टर है SH. सॉल्वेंसी क्या था? SH9. रजिस्टर SH10. ROC को रिटर्न ऑफ बायबैक सबमिट करो SH11 along with a compliance certificate SH15. अच्छा सुनिए, कूलिंग पीरियड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? पहले डिस्ट्रॉय द शेयर्स विद इन 7 days. डिस्ट्रॉय द शेयर्स विद इन 7 days ऑफ बायबैक. ऑब्जर्व द कूलिंग पीरियड फॉर 6 months. यानी अगला 6 महीने तक हम लोग फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर लाने नहीं देंगे. डिबेंचर ला सकते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी इज नॉट अलाउड फॉर नेक्स्ट 6 months. आर वी थ्रू विद दिस? अच्छा, कंप्लीट द बायबैक फॉर्मेलिटी विद इन 365 days. और एक बार बायबैक हो गया तो अगला 365 दिन तक बायबैक करने हैं नहीं देंगे. अच्छा, कंप्लीट द बायबैक फॉर्मेलिटी विद इन 365 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द बायबैक. जिस दिन बायबैक का रेजोल्यूशन पास हुआ था वहां से 365 दिन में बायबैक का फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो. अच्छा, सेक्शन 69 में बोलता है कि जब बायबैक करोगे क्या बनाओगे? CRR. याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ फ्री रिजर्व फॉर बायबैक. या सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ फ्री रिजर्व फॉर बायबैक. 68 था बायबैक, 69 क्या था? CRR. 70 क्या है? प्रोहिबिशन. क्या हम सब्सिडरी कंपनी से बायबैक कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कंपनी से? सब्सिडरी कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी लोग से हम लोग बायबैक नहीं कर सकते. वाह रे वाह, आप जनता का रुपया मार रखे, आप बायबैक कर सकते हैं क्या? पहले जनता का रुपया चुकाओ, उसके 3 साल के बाद बायबैक करने देंगे. जिस दिन डिफॉल्ट सही हो जाएगा उस दिन तुरंत बायबैक नहीं करने देंगे, वहां से 3 साल के बाद. और अगर आपने डिफॉल्ट किया इन फाइलिंग द एनुअल रिटर्न नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो आपको बायबैक करने नहीं देंगे. चैप्टर 12 मेंबरशिप. कितना तरीका होता है मेंबर बनने का? 3 तरीका होता है मेंबर बनने का. 3 ways टू बिकम द मेंबर. या तो एकदम शुरू में बाई सब्सक्राइबिंग व्हाट? MOA. एकदम शुरू में बाई सब्सक्राइबिंग द MOA. लेटर ऑन अग्रींग इन राइटिंग. एकदम शुरू में बाई सब्सक्राइबिंग MOA, लेटर ऑन अग्रींग इन राइटिंग. या थ्रू डिपॉजिटरी. रजिस्टर ऑफ मेंबर का फॉर्म नंबर बताइए. वेरी स्लो. रजिस्टर ऑफ मेंबर का फॉर्म नंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर का फॉर्म नंबर. मेंबर लोग का रहता है MGT1, डिबेंचर होल्डर लोग का रहता है MGT2. रजिस्टर ऑफ मेंबर इज MGT1, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर एंड अदर डिपॉजिट होल्डर इज MGT2. क्या हम लोग को रजिस्टर ऑफिसर करना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ. एनी अदर सिटी टाउन प्लेस में आप रख सकते हैं, प्रोवाइडेड रजिस्टर ऑफिस जहां पर क्या है सिचुएटेड. सेम सिटी टाउन विलेज इन विच द रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड. गोवा में भी रख सकते हैं क्या? हाँ, अगर वहां 110 से ज्यादा मेंबर रिसाइड करते हैं. अब वहां पर रख सकते हैं जहां पर आपके 110 से ज्यादा मेंबर रिसाइड करते हैं. बाईपासिंग सॉरी नियम. कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट में आजकल कॉमन सील कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? और कौन साइन करेगा? सुनो ना, KMP और डायरेक्ट, या तो KMP साइन करेगा और डायरेक्टर ऑथोराइज बाय द बोर्ड. आइदर KMP और ऑफिसर यानी डायरेक्टर ऑथोराइज बाय द बोर्ड. शेयर सर्टिफिकेट में क्या शेयर होल्डर का नाम लिखा हुआ रहेगा? शेयर वारंट में किसी का नाम लिखा हुआ? तो शेयर वारंट इज अ रजिस्टर्ड डीड की बेयरर डॉक्यूमेंट. शेयर वारंट इज अ विच इज फ्रीली, क्योंकि इसमें नाम लिखा हुआ आपको हमारे पास आने का दरकार. सो शेयर वारंट इज फ्रीली बिकॉज इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल. इट इज इश्यूड ओनली बाय पब्लिक कंपनी. शेयर्स मस्ट बी पार्टली पेड की फुल्ली पेड. और डिविडेंड कूपन अटैच रहेगा. क्या होल्डर ऑफ शेयर वारंट को वोटिंग मिलेगा? जिसके पास शेयर वारंट है उसके पास वोटिंग राइट नहीं है. आई रिपीट, शेयर वारंट इज अ बेयरर डॉक्यूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल इश्यूड बाय पब्लिक कंपनी इन लियू ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स विद डिविडेंड कूपन अटैच टू इट. होल्डर ऑफ शेयर वारंट इज नॉट अ मेंबर एंड ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट. आर वी थ्रू विद दिस? आधा एक घंटा पढ़ाया गया होगा जब पढ़ाया गया होगा शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट. राइट इशू का सेक्शन नंबर बताओ. क्या पहले एग्जिस्टिंग ऑफर करना जरूरी है?
सेक्शन 62 राइट इशू बोलता है पहले किसको ऑफर करना जरूरी है? सेक्शन 62 बोलता है पहले किसको ऑफर करना जरूरी है? हाँ, एग्जिस्टिंग को ऑफर करना जरूरी है, और उसको टाइम देना होगा हम लोग को 15 से 30 दिन का, मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज। 15 दिन से कितना दिन का वक्त मिलेगा? 30 दिन। अरे थ्रू विद दिस, अरे 15 से 30 दिन का टाइम देंगे रे, क्या करने के लिए रे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को खरीदना है खरीदो, रिनाउंस करना है? अच्छा, आर्टिकल साइलेंट है तो भी रिनाउंस कर सकेगा? आर्टिकल में अगर मना किया हुआ तब रिनाउंस नहीं कर सकेगा, साइलेंट है तो रिनाउंस कर सकेगा। क्या हुआ बोलिए आप लोग? जो बचा कुचा शेयर है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग ने खरीदा कि नहीं खरीदा? बचा कुचा शेयर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग ने, नाउ डायरेक्टर्स कैन डिस्पोज टू द बेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स कैन डिस्पोज। क्या हम आउटसाइडर को ऑफर कर सकते हैं? या चाहे तो क्या कर सकते हैं? कैंसिल। एग्जिस्टिंग को ऑफर ही करना है आपको, डायरेक्टली आउटसाइडर को ऑफर करना है? जब भी कंपनी फ्रेश इशू लाएगा पहले आउटसाइडर की एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग को ऑफर करना पड़ेगा, गिविंग द मिनिमम 15 डेज टाइम एंड मैक्सिमम 30 डेज टाइम टू सब्सक्राइब आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड इफ द शेयर्स आर रिमेनिंग, डायरेक्टर्स कैन डिस्पोज टू द बेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। हाउएवर इफ वी डू नॉट ऑफर टू डू नॉट वांट टू ऑफर टू द एग्जिस्टिंग, वी वांट टू डायरेक्टली ऑफर टू द आउटसाइडर, इट इज पॉसिबल बाय पासिंग। एग्जिस्टिंग ऑफर करना ही नहीं है, आउटसाइडर को ऑफर करना बाय पासिंग। जब कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तब सेक्शन 62 अट्रैक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल इक्विटी करने के इशू करने के पहले ही हमने एसआर पास कर रखा है। तो फ्यूचर में जब कन्वर्जन होगा इनका इक्विटी में, तब एसआर पास करने का दरकार, और तब एग्जिस्टिंग लोग एकदम डैश लोग की तरह नहीं करेगा, हम लोग को भी दो, क्यों दे तुम लोग को? बोला सुना नया शेयर इशू हो रहा है, हाँ लेकिन ये कन्वर्टेबल डिबेंचर को कन्वर्ट किया जा रहा है, जब देखो हम लोग को भी दो। और एसआर तुम लोग से पास करवा दिए थे कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करने के पहले, तो अभी एग्जिस्टिंग को शेयर देने का दरकार नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर कंपनी ने लोन वगैरह डिफॉल्ट कर रखा है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल लोन को भी सीजी अगर डायरेक्शन दे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकता है। जैसे कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड होता है ना, वैसे ही कंपल्सरी कन्वर्जन होता है ऑफ नॉन कन्वर्ट डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल लोन वाज नॉन कन्वर्टेबल, स्टिल स्टीजी हैज अ पावर कि इन पब्लिक इंटरेस्ट वो इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकता है। अच्छा, मेरा ऑथोराइज उतना नहीं है गवर्नमेंट, सीजी मेरे को जबरदस्ती कन्वर्जन करवा रहे इक्विटी में, मेरा ऑथोराइज उतना नहीं है। डीम्ड टू बी इंक्रीज, डीम्ड टू बी, what is deemed to be increased? Authorized share capital by which amount? By the amount of the conversion. मतलब कोई excuse नहीं चलेगा, चलो convert करो equity में, sir non convertible है, hey, convert करो, sir authorized share capital उतना नहीं है, deemed to be increased, sir shareholder लोग नहीं मान रहे, authorized नहीं बढ़ाएंगे उन लोग, अरे authorized बढ़ाने का permission लेना ही, deemed to be increased। ये सब सेक्शन नंबर कौन सा था? 62। बोनस शेयर का सेक्शन नंबर बताओ, क्या बोनस शेयर पार्टली को मिलेगा कि फुली पेड अप इक्विटी को? बोनस शेयर प्रेफरेंस शेयर को नहीं मिलता, खाली इक्विटी शेयर को मिलता है, वो भी फुली पेड अप इक्विटी शेयर। प्रोवाइडेड आर्टिकल्स मस्ट ऑथराइज, आर्टिकल साइलेंट अमेंड, आर्टिकल बाईपासिंग, ऐसा नहीं है। बोनस शेयर के लिए पहले बीआर एट बीएम से डायरेक्टर लोग रेकमेंड करेगा क्या? पहले डायरेक्टर्स रेकमेंड बाईपासिंग, फिर शेयरहोल्डर लोगों को क्या पास करना होगा? हाँ, थैंक यू। बोनस शेयर के लिए शेयरहोल्डर लोग क्या पास करेगा? वो आर्टिकल साइलेंट है तब अमेंड करेंगे एसआर, डायरेक्टर पास किया बीआर, शेयरहोल्डर पास किया ओआर। ए बोनस शेयर करेगा, डिविडेंड दे सकते हैं क्या? डिविडेंड करेगा बोनस शेयर? बोनस शेयर अलग है, डिविडेंड अलग है। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन सुन लीजिए, एक बार समझेंगे, सुन लीजिए। जीते जी क्या होता है? ट्रांसफर, अपने इच्छा से हम किसी को शेयर बेच रहे हैं, ट्रांसफर। मरने के बाद इनहेरिटेंस हो गया, ट्रांसमिशन। ट्रांसफर जीते जी होता है, ट्रांसमिशन मरने के बाद। ट्रांसफर में ट्रांसफर डीड चाहिए, ट्रांसमिशन में क्या मरा हुआ आदमी का अंगूठा लगाओगे क्या? तो ट्रांसमिशन डीड नहीं चाहिए। ट्रांसफर में कंसिडरेशन है इसलिए गवर्नमेंट मुंह मारता है, स्टैंप ड्यूटी लेता है।
ट्रांसमिशन में नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो स्टैंप ड्यूटी। अब सुन लो, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के लिए क्या प्रोविजन है ट्रांसफर ट्रांसमिशन में, सुन लीजिए एक बार। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के लिए, मान लीजिए पहले प्राइवेट कंपनी, क्या प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर हो सकता है? हाँ, आउटसाइडर को नहीं हो सकता, मेंबर लोग को तो हो सकता है ना रे बाबा। सो प्राइवेट कंपनी कैन प्रोहिबिट द ट्रांसफर की रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर, बट इट कैन नॉट प्रोहिबिट। आज मान लो से फॉर एग्जांपल ए SH4 जमा किया, एक ट्रांसफरर है बी को ट्रांसफर करना चाहता है, ट्रांसफरर शेयर जिसको ट्रांसफर करेगा वो क्या होता है, ट्रांसफरिंग। उन लोग अपने आप शेयर ट्रांसफर कर लेगा कि कंपनी के थ्रू होगा? कंपनी के थ्रू होगा, क्योंकि कंपनी ही तो नया शेयर सर्टिफिकेट बना करके देगा दोस्तों। तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी क्या किया, ट्रांसफरर और SH4 साइन करके भेजा, एक शेयर ट्रांसफर फॉर्म आता है, शेयर ट्रांसफर फॉर्म का नंबर बताओ किसको भेजा? हाँ, कंपनी को भेजा, प्राइवेट कंपनी। अब अगर प्राइवेट कंपनी देख रहा है ट्रांसफरी तो आउटसाइडर है, ट्रांसफरर भी पगला है, ट्रांसफरी कौन है, तो आउटसाइडर को तो हम लोग ट्रांसफर करने, तो कम से कम प्राइवेट कंपनी का इतना ड्यूटी बनता है कि इफ प्राइवेट कंपनी डज नॉट वॉन्ट टू ट्रांसफर द शेयर, इट शुड सेंड अ रिफ्यूजल नोटिस, सेंड अ रिफ्यूजल नोटिस टू ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी बोथ। अगर हम ट्रांसफर नहीं कर रहे ना शेयर, मेरे को एक रिफ्यूजल नोटिस देना पड़ेगा ट्रांसफरर को कि ट्रांसफरी को, विदिन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ SH4। इन लोग मेरे पास जब SH4 जमा किया था, इन लोग जब मेरे पास SH4 जमा किया था ट्रांसफर करने के लिए, वहां से 30 डेज के अंदर रिसिप्ट ऑफ SH4, विदिन 30 डेज ऑफ, कंपनी शुड सेंड अ रिफ्यूजल नोटिस। पब्लिक कंपनी में सब कुछ सेम है, खाली मान लो हम पब्लिक कंपनी है, अगर हम शेयर ट्रांसफर नहीं करना चाहते क्योंकि ये कन्विक्ट को हो सकता है, मान लो कन्विक्ट को, कन्विक्ट मतलब कौन, जो जेल में है, उसको शेयर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, बट नॉट टू द पर्संस हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, इफ द पर्संस आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम, देन यू कैन ट्रांसफर द। पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, तो क्या ओसामा बिन लादेन को ट्रांसफर कर दोगे क्या, दाऊद इब्राहिम को ट्रांसफर कर दोगे क्या? फिर चार्ज में मेरे बच्चों, हम लोग सारा फॉर्म डिस्कस किए थे ना चार्ज में, तो गेट अप, इट्स अ रिविजन, प्योर रिविजन ओनली फॉर दोज हु हैव डन द क्लासेस। जब चार्ज क्रिएट होगा, वंस अ चार्ज इज, इट मस्ट बी इन्फॉर्म टू, वंस अ चार्ज इज क्रिएटेड, वंस अ चार्ज इज, इट मस्ट बी इन्फॉर्म टू विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, क्या आइदर बाय द कंपनी और बाय द चार्ज होल्डर टुगेदर विद द चार्ज इंस्ट्रूमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग द चार्ज, जो चार्ज क्रिएट हुआ है ना, द कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग द चार्ज शुड बी सबमिटेड टू विद इन 30 डेज ऑफ माई बर्थडे की और बर्थडे, या तो कंपनी करवाएगा या चार्ज होल्डर। CHG1 और CHG9, सुन लो, CHG1 होता है नॉर्मल चार्ज के लिए और CHG9 होता है डिबेंचर, फॉर चार्ज अदर देन डिबेंचर CHG1, डिबेंचर के लिए CHG9। 30 डेज में CHG1 जमा करो, और अगर डिबेंचर है तो डिबेंचर वाले लोग के लिए चार्ज क्रिएट किया तो CHG9 किसको जमा करोगे? CHG19 खत्म, क्या हुआ? 30 डेज में नहीं जा रहे हो, सो रहे हो घर में, 30 डेज में नहीं गए, तो ROC तुमको नेक्स्ट 300 डेज अलाउ करेगा, ROC भी अलाउ हो, और 300 दिन ले लो, और सुन किसके पास जा रहा है, और 300 दिन मिला है ना, तो एक अलग से फॉर्म और लेकर के जा, खाली 1 और 9 लेकर के मत जा, 1 और 9 के अलावा दोनों को जोड़ना, 1 और 9 को 10, CHG10 में रीजन लिखा हुआ रहेगा कि ROC हम लोग को लेट हो गया, ये कारण से लेट हो गया, वो CHG10 में लिखो, और 10 के साथ अनेक्स करो, क्या अनेक्स करो 10 के साथ, या तो 1 या 9, क्या हुआ 300 दिन में भी नहीं गए, फिर CG के पास जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू कॉन्डोन द डिले, अच्छा CG के पास जाओगे तो CHG8, याद रखने का तरीका, सबसे पहले 1 और 9 था ना, दोनों को जोड़ो 10, दोनों को माइनस करो, सब रुक जा, हड़बड़ी नहीं बेटा, कंट्रोल योर सेल्फ, सबसे पहले नॉर्मल इंसान लोग या तो 1 जमा करेगा या फिर 9 विदिन 1 या फिर 9 जमा करो विदिन 1 या फिर 9 अगर आप नहीं जमा किए विदिन 30 डेज तो अगला 300 दिन में आपको ROC के पास ही जाना है अलॉन्ग विद द रीजन ऑफ डिले इन फॉर्म नंबर CHG10। 300 दिन में नहीं गए तो CG,
सीजी के पास जाओगे फॉर कॉन्डनेशन ऑफ डिले, पहले 109 को जोड़े 10 आया था, अभी 109 को माइनस करेंगे तो -8, नहीं माइनस हटा दो 8, सीजी के पास 8 जमा करोगे, सीजी कॉन्डोन कर दिया। अच्छा हमने क्या जमा किया था 8 किसको, सीजी कॉन्डोन कर दिया तो अच्छा आईएनसी 28 जमा करना पड़ेगा आरओसी के पास, सबको जोड़ो देखो 28 आ जाएगा, जस्ट सी द मैजिक। सबसे पहले क्या था 109, दोनों को जोड़ा 10, माइनस किया 8, यानी 1 9 10 8, अब सबको जोड़ दो 109 10 और 10 20 और 8 28, इससे बनता है फॉर्म नंबर आईएनसी 20, जो हम लोग को किसके पास जमा करना पड़ेगा। ए बेटा 30 डेज में क्या जमा करेगा, 1 या फिर 9, 300 दिन में 10, 10 के साथ 199 तो जमा करना ही है, सबसे पहले 1 या फिर 9, फिर 300 दिन में आरओसी के पास 10, नहीं गए आरओसी के पास, सीजी के पास 8, सीजी के पास 8, फिर आरओसी के पास एनसी 28 अलोंग विद 1 या फिर 9। उफ बहुत हो गया हम लोग का फॉर्म जमा करना, ना ना बहुत हो गया हम लोग का फॉर्म जमा करना। अब आरओसी हम लोग को सर्टिफिकेट देगा, अगर आरओसी हम लोग का चार्ज को क्या कर लिया, रजिस्टर, यस यूपी आरओसी है रजिस्टर का चार्ज क्या, अब आरओसी हम लोग को सर्टिफिकेट देगा, हाँ नेक्स्ट ही देगा CSG 2, और मॉडिफिकेशन है तो CSG 3, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन CSG 2, सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन CSG 3। जब हम लोग पूरा लोन चुका देंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, चार्ज गेट्स व्हाट सैटिस्फाइड, जिस दिन हम लोग पूरा लोन चुका देंगे वहां से 30 डेज के अंदर हम लोग CSG 4 जमा करेंगे अप्लाइंग टू होम आरओसी, हम लोग CSG 4 जमा करेंगे अप्लाइंग टू आरओसी फॉर सैटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, आरओसी विल सैटिस्फाई द चार्ज एंड गिव अस द सर्टिफिकेट ऑफ सैटिस्फेक्शन CSG 5। रीटेक सबसे पहले क्या जमा करना है, एकदम पहले 1 या फिर विद इन 300 दिन में 10, 300 दिन खत्म हो गया, सीजी के पास जाओ 8, सीजी सर्टिफिकेट देगा आईएनसी 28, आरओसी के पास जमा करो, बहुत हो गया हम लोग का जमा करना 1 9 10 8 28 1 9 10 8 28, बहुत हो गया हम लोग का जमा करना। अब आरओसी हम लोग को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा CSG 2, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन CSG 2, सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन 3, हम लोग सेटिस्फाई के लिए जाएंगे 4, हम लोग को मिलेगा 5, सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फेक्शन हम लोग को मिलेगा 5। जब भी रिसीवर या डिवेंचर ट्रस्टी को हम लोग अपॉइंट करते हैं तो CSG 6, रिसीवर डिवेंचर ट्रस्टी के लिए CSG, रेशियो ऑफ चार्जेस 7, खत्म हो गया भैया 8 बाकी है। सबसे पहले 1 या फिर क्या था 9, 300 दिन में क्या था 10, उसके बाद क्या था सब मिला दो, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 3 2, मॉडिफिकेशन 3, हम लोग जाएंगे सेटिस्फेक्शन के 4, हम लोग को मिलेगा 5, रिसीवर 6, रजिस्टर 7। परिपसो जब सेम एसेट के ऊपर एक से ज्यादा चार्ज होल्डर का चार्ज है, एसेट एक चार्ज होल्डर अनेक, इसको बोलते हैं परिपसु चार्ज। जब वो एसेट बेचेंगे एक जन को देंगे कि सबको देंगे, जिनका चार्ज है इन द रेशियो ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग ड्यूज। P93 कुछ कुछ चीज डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज डिपॉजिट, एनी अमाउंट रिसीव्ड, एनी मनी रिसीव्ड इज अ पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट द फॉलोइंग, एनी मनी रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज अ पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, फॉरेन गवर्नमेंट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम बैंक्स। सुनना, पब्लिक डिपॉजिट मतलब एनी अमाउंट ऑफ मनी होता है एक्सेप्ट द फॉलोइंग, एक्सेप्ट द फॉलोइंग, जो भी हम बोलने वाले ये सब पब्लिक डिपॉजिट है कि नहीं है, गवर्नमेंट से कुछ भी मिलेगा ये पब्लिक डिपॉजिट है कि ग्रांट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी हो या फिर फॉरेन गवर्नमेंट। अमाउंट रिसीव फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट माना जाएगा कि लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनदर कंपनी, यू नो व्हाट, व्हेन वी आर रिसीविंग द अमाउंट फ्रॉम अनदर, ये तो इंटर कॉर्पोरेट लोन हो गया ना, ये पब्लिक डिपॉजिट नहीं है। देख पॉइंट नंबर 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी गोला कर रखा होगा, पॉइंट नंबर 2 में फॉरेन गवर्नमेंट गोला कर रखा होगा, पॉइंट नंबर 3 में लोन बैंकिंग कंपनी गोला कर रखा होगा, पॉइंट नंबर 4 में लोन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गोला कर रखा होगा, पॉइंट नंबर 6 में अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनदर कंपनी, ये सब पब्लिक डिपॉजिट है कि नहीं है। निधि कंपनी को जो मिलेगा अपना मेंबर से, ये पब्लिक डिपॉजिट,
मिनिमम कितना महीना के लिए ले सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट? 6 months मैक्सिमम, मिनिमम 6 months एंड मैक्सिमम 36. माय गॉड, पब्लिक डिपॉजिट का मैच्योरिटी पीरियड मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 36 months. पेज नंबर 95 में आइए. प्रोविजंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट शैल नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी. बैंक और एनबीएफसी लोग के ऊपर पब्लिक डिपॉजिट का प्रोविजन एप्लीकेबल? क्या हम लोग मेंबर लोग से पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं? थोड़ा पंप अप योरसेल्फ, थोड़ा पंप अप योरसेल्फ. क्या हम अपना मेंबर से पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं? बाई पासिंग डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व इज एग्जैक्टली सेम एज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. फ्रॉड करेंगे तो सेक्शन नंबर कौन सा? 444 जो बोल रहा है, खेला खत्म है उसका. इट्स ओवर फॉर यू, गेम ओवर. बड़ो आगे रूल 3 में ही तो लिखवाए थे पब्लिक डिपॉजिट शुड बी एक्सेप्टेड फॉर मिनिमम 6 months. अरे बेसरमो हाथों से लिखा होगा तुम्हारा, देख मिनिमम 6 महीना एंड मैक्सिमम रेट ऑफ अच्छा गवर्नमेंट कंपनी भी डिपॉजिट ले सकता है क्या? बट कैनॉट एक्सीड 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व. गवर्नमेंट कंपनी कैन टेक द पब्लिक डिपॉजिट बट कांट एक्सीड 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड. ये सब तो याद करना पड़ेगा, 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड. इससे ज्यादा हम पब्लिक डिपॉजिट अगर हम कौन है? रेट ऑफ डिपॉजिट पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज एज पर आरबीआई. एडवर्टीजमेंट ऑफ सर्कुलर का फॉर्म नंबर DPT 1. डिपॉजिट ट्रस्टी और डिबेंचर ट्रस्टी का फंक्शन एग्जैक्टली क्या रहने वाला है? कोई बता सकता है हम लोग को लिक्विड एसेट में कितना परसेंट मेंटेन करना पड़ेगा? लिक्विड एसेट्स में जो डिपॉजिट्स मैच्योर होने वाला है इन द ईयर, द डिपॉजिट्स विच आर गोइंग टू मैच्योर इन द ईयर, उसका 15% मेरे को लिक्विड एसेट्स मेंटेन करना पड़ेगा 30 अप्रैल तक. कब? मान लो 15 से फॉर एग्जांपल 17-18 में 16 का डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है, 17-18 में उसका 15% ठोक दे 15 लाख, तो 30 अप्रैल 2017 तक जमा करके रखना पड़ेगा. कहां पर जमा करके रखना पड़ेगा? लिक्विड एसेट्स. रेशियो और डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ेगा क्या? अगर देरी से चुकाओगे, अगर आप डिपॉजिट देरी से चुकाओगे मैच्योरिटी डेट के बाद चुकाओगे तो कितना परसेंट इंटरेस्ट ठोकेंगे? 18% पर एनम. फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े थे कि ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और सेक्शन 8, वो तो आपको स्टेप्स लिखवाया हुआ होगा. ठीक है, मेन चैप्टर हम लोग यहां तक रिवाइज कर लिए हैं. अब जो बचा कुचा एक दो चैप्टर है वो बहुत सिंपल था. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल याद आया है? सेपरेट एंटिटी रहेगा कि तोड़ देंगे? तो लिफ्टिंग ऑफ क्या था? कॉर्पोरेट वेल. क्या अब आप बुक खोल सकेंगे? तो रिवीजन क्लास इतना ही रहेगा. थैंक यू, बाय बाय.